आई से करना स्टार्ट करना मुझे पसंद है तो आई से ही करते हैं। तो डायरेक्ट एक भी पेंसिल उठाओ और पहले प्यूपिल वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो अपन ने बनाया था इसे किया। उसके बाद आयरिस की आउटलाइन जो आती है वो, आयरिस की आउटलाइन पहले देख लो फिर करना। आउटलाइन देंगे अब इसकी, ठीक है। तो ये जो डार्क पार्ट ऊपर है ना उसे अभी से नहीं भर देना, उसे एंड में भरेंगे अपन, ठीक है। अभी से आंखों की आउटलाइन दो, ऊपर वाला कर्व रहेगा सिर्फ आउटलाइन के पार्ट में, ठीक है। यही सेम चीज अपन राइट साइड में करते हैं ताकि 10B का काम खत्म हो जाए। प्यूपिल, आयरिस की आउटलाइन, ठीक है, फिर ये आई की आउटलाइन। ठीक है, तो अपना 10B का काम यहाँ खत्म हो जाता है। फर्स्ट लेयर करनी है अपन को, तो फर्स्ट लेयर अपन HB पेंसिल से कर रहे हैं। तो पेंसिल अपन ने पहले आयरिस के अंदर वाला पार्ट शेड कर लो, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जैसे अपन को हल्का छोड़ना है रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, तो यहां से शेड करने से स्टार्ट करो। ऐसे ओवल शेप की शेडिंग करते करते उतना पार्ट छोड़ दिया अपन ने, अब आराम से स्मूथ शेडिंग आनी चाहिए। देखो रफ शेडिंग नहीं करनी अपन को, स्केच में जितनी स्मूथ शेडिंग कर सको उतना अच्छा है। ये वाला पार्ट जैसे मैंने बोला कि ये तो अपन बाद में इरेजर से इरेज करके बना सकते हैं, इतना उसकी कोई टेंशन नहीं। अब इसमें बहुत नीचे तक नहीं ले जाना, जैसे अपनी रेफरेंस में देख सकते हो चीक्स में जो हाइलाइट्स वाला पोर्शन है वो जस्ट आई के नीचे से स्टार्ट है। तो ये जो आई के नीचे कर्व आता है ये वाला हल्का सा, सिर्फ इतने पार्ट में शेडिंग है, ठीक है, यहां से लेके आगे तक। यही सेम चीज अपन राइट आई में करेंगे। तो राइट आई में आयरिस फिल कर दो, इसमें भी चीक्स वाला जो हाईलाइट है वो थोड़ा बहुत ही आया, थोड़ी बहुत उसमें शेडिंग है, ठीक है। तो नोज के पास से शेड करना स्टार्ट करो, स्मूथ होनी चाहिए। चाहो तो पेंसिल को इस तरीके से आगे शार्प कर लो लीड एक्सपोज करने के लिए, ठीक है, इतना करो यहां तक, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे चीक्स की जो हाइलाइट्स रहती है वो है। इसके बाद नोज करते हैं, तो पहले इतना कर लो। ये सब भर दिया मैंने गलती से, तो इसे इरेजर से हल्का हल्का इरेज कर लो, ठीक है। बाद में भली ब्लेंडिंग में भर जाए लेकिन अपन को वो छोड़ के चलना है उत्ता पार्ट। नोज करते हैं, तो नोज का अपन देख सकते हैं कि ऐसे थोड़ा स्लांट में आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऐसे बाहर की तरफ मत कर देना, एक लिमिटेड अमाउंट में रखना, इतना रख लो कि यहां तक, ये दिख रहा। तो कितना इस तरीके से शेड करना स्टार्ट करो, शेड, ठीक है, स्ट्रोक्स नहीं लगाने यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा दूर तक कर सकते हो क्योंकि अपन रेफरेंस में अपने देख सकते हैं कि जा रहा ना रेफरेंस में ऐसे। तो हल्का हल्का इतना शेड कर लो बस, अब इससे वापस इतना आना स्टार्ट हो गया अंदर की तरफ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ज्यादा डार्क नहीं बनाते हैं अपन, ठीक है। इस तरीके से स्लांट में शेड करो, इसे आराम आराम से स्लांट में शेड करो, और शेड करते करते हल्का सा अंदर ले आओ, इतना ये फिल कर लिया, ठीक है। इसके आगे का जो है चीक्स वाले पोर्शन में करते हैं, तो राइट साइड शिफ्ट हो जाओ, राइट साइड भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी स्लांट में शेड करते करते आराम आराम से ऊपर की तरफ बढ़े, और ये यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देना, ठीक है, जो चीक्स पे वाला पोर्शन जाता है, हल्का हल्का स्मूथली करना, हल्का हल्का थोड़ा ऊपर ले जाना ताकि वो थोड़ा मिक्स सा लगे, और स्मूथ करना है स्लांट में जो शेडिंग है वो स्मूथ करना ताकि ब्लेंडिंग करते समय अपन को ज्यादा परेशानी ना हो, इतना कर लो। ये वाला जो पोर्शन है ना आई के ऊपर का कर्व, ये भी 10B से ऐसे जिस तरीके से अपन ने ड्रॉ किया था ना उसी तरीके से 10B से आराम से कर लेना। आगे जाते जाते थोड़ा पतला हो जाना चाहिए, यहाँ पीछे की तरफ भले ही मोटा चलेगा। आईब्रो के बीच वाला पार्ट कनेक्ट कर लेते हैं अब अपन, तो ऐसे वर्टिकली करना, ठीक है,
इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नीचे मत ले आना, फिल नहीं करना अपन को पूरा, इस तरीके से लाओ। ठीक है, थोड़ा आईब्रो के पीछे पीछे ले जाओ यहाँ तक, ताकि अपन फोरहेड वाले शेडिंग पे करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से अब स्लांट वे में करना है शेडिंग। रेफरेंस में देख सकते हो, देखो रेफरेंस आपको सब बता देती है, अगर ध्यान से देखो तो रेफरेंस में ये भी समझ में आता है कि इस डायरेक्शन में अपन को पेंसिल चलानी है, और जिस जगह नहीं समझ में आए उस जगह सर्कुलर शेडिंग कर दो, क्योंकि वो हर जगह चल जाता है। ठीक है, इसमें अपन को दिख रहा है अपन को लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, आप देखो एच भी करी तो बीच में उसे ब्लेंड करने के लिए आगे की तरफ हल्का हल्का करो, बहुत कम कम, ये ब्लेंडिंग के काम आता है। ये राइट साइड वाला पोर्शन आता है अब अपना, राइट साइड वाला पोर्शन भी ऐसे स्लांट में करना, कोई स्ट्रेट नहीं करेगा। ठीक है, रेफरेंस में जिस तरीके की शेडिंग दिख रही है अपन को, ऊपर की तरफ स्लांट है, भले नीचे आते आते थोड़ा स्ट्रेट हो गया, इस तरीके से रखना, हल्का स्लांट रहेगा। और एंड में क्या बताया मैंने, एंड में हल्की हल्की शेडिंग कर दो, ताकि जब अपन ब्लेंड करें तो ब्लेंड करते समय अपन को आसानी रहे उसमें। इस तरीके से अपन धीरे धीरे शेड कर दिया, तो ये फोरहेड वाला पोर्शन भी हो गया और आईज आईब्रो के बीच वाला पोर्शन भी। ठीक है, अब जरा यहाँ देखना, देखो पहले मैकेनिकल पेंसिल लो, नोज में अपने ये पूरा एरिया खाली नहीं छूटा है, यहाँ पे ये पूरा खाली नहीं छूटा है, अपन भी खाली नहीं छोड़ेंगे। तो मैकेनिकल पेंसिल लो, उसकी टिप आगे कर लो, ताकि ज़्यादा प्रेशर लगा होगा तो टिप अपने आप टूट जाए। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला लोअर पोर्शन, ठीक है, रेफरेंस में देख सकते हो कौन सा मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसे ऐसे वर्टिकली शेड करो। ठीक है, एक थोड़ा सा गैप छोड़ो। ठीक है, कौन से गैप की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले गैप की, और फिर नीचे वाला पोर्शन ऐसे स्टार्ट कर दो फिल करना। ठीक है, और यहाँ एंड में कनेक्ट कर दिया ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये नोज वाला सेक्शन, तो ये अपर पार्ट अपना पूरा शेड हो जाता है। अब आ जाओ लिप्स के नीचे वाले पोर्शन पे, तो पहले अपन राइट साइड वाला पोर्शन शेड करेंगे चिन तक। तो इसमें आ जाओ, ऐसे वर्टिकली शेड करना स्टार्ट करो, पेंसिल को पीछे ही पकड़ना। ठीक है, पेंसिल को आगे पकड़ के गूदने की ज़रूरत नहीं, पेंसिल को उसके सेंटर से थोड़ा पीछे पकड़ना, ताकि लाइटली शेड कर सको। धीरे धीरे ऐसे वर्टिकली शेड करते करते ऊपर तक नहीं ले जाना, बहुत बड़े बड़े अपन को ऐसे वर्टिकल शेडिंग नहीं करनी। ठीक है, जितना हाथ चल रहा है यहाँ से लेते हुए आओ हाथ, और ऐसे धीरे 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 यहाँ चेहरे की आउटलाइन तक, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, अब थोड़े ऊपर वाले पोर्शन पे चलते हैं अब अपन। तो ये वाला जैसे अपन ने ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टली करा था ऐसे थोड़ा, तो इसे भी अब थोड़ा हॉरिजॉन्टली करेंगे, कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी, बहुत ज़्यादा एकदम टेढ़े नहीं बनाना है, हल्के से ही। चीक्स का पोर्शन अपन को छोड़ना है, तो उसका ध्यान रखना। तो पहले देख लो कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ से करते करते मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं आउटलाइन है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हल्के हल्के डायगोनली करते करते धीरे धीरे मैं यहाँ लाया, ऐसे कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है चीक्स का, तो इसे मैंने ऐसे शेडिंग करते करते ऊपर की तरफ, तो इतना पार्ट मैंने छोड़ दिया, वो ब्लेंडिंग में अपन हल्का हल्का अंदर ले आएंगे, लेकिन अभी इतना पार्ट छोड़ दिया। अब आओ जरा चिन के नीचे, पहले देख लो इतना पार्ट, ये हल्का हल्का जो कर्व है ये अपन ने ऐसे बनाया। ठीक है, यहां से लेके ऐसे थोड़ा डायगनली जो ये फेस का आ रहा ना अपना कर्व, इसी के डायरेक्शन में लाया अपन। देखो सारी जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ सब एक ही प्रेशर के साथ है, ऐसा नहीं कि यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग, वैसा किया तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन को एक चिन पे ओवल शेप छोड़ना है, तो यहाँ पे ऐसे वर्टिकली या थोड़ा डायगनली ऐसे शेडिंग करी अपन ने, चिन के पास करी, तो ये पार्ट अपन शेडिंग करते जा रहे हैं, ये कर्व अपन ओवल जो शेप है ये छोड़ना है अपन को। ठीक है,
तो ऐसे धीरे 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 आराम से कर्व करते जाए, बहुत आराम आराम से अपन को करना है, ठीक है। तो इतना पार्ट अपन ने कर लिया है, इतना कर लो। अब आप लेफ्ट साइड वाला पोर्शन देख लो, तो थोड़ा ऐसे वर्टिकली करते करते थोड़ा स्लांट में लाना, ऐसे धीरे धीरे करते करते डायगनली आ जाए। पेंसिल पीछे पकड़ना ताकि आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए। तो यहाँ करते करते इसमें मिक्स कर लेना, ऐसे ये जो आ रहे थे ना अपने, इसमें अपना मिल जाने चाहिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ और आ जाएंगे। अभी अपन सिर्फ शेड कर रहे हैं, ब्लेंड अपन नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, अभी इतना कर लो। ठीक है, बहुत ज्यादा इसे दूर मत ले जाना, पास में रखना लिप्स के। और ये अपन ने इतना पार्ट कर लिया है, चीक्स वाला भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये ईयर्स वाला जो पूरा सेक्शन है, ईयर्स वाला आराम आराम से ऐसे सर्कुलर शेडिंग मेथड से शेड कर लो। ऐसे पेंसिल को पीछे पकड़ के सर्कुलर चलाओ, ठीक है। जो हाइलाइट्स हैं, जो डेप्थ हैं, वो अपन अलग से बनाएंगे, इसमें कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेन चीज़ आती है वो आती है आउटलाइन। तो ये देख सकते हो चीक्स पे अपन ने छोड़ा है और यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आउटलाइन की तरह जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे थोड़े बड़े पोर्शन में स्टार्ट होगा, धीरे धीरे जाते चाहते छोटा हो जाएगा। कैसे होगा वो मुझे देखो। तो पहले तो एक ये हल्का हल्का यहाँ शेड कर लिया, अब यहाँ से ऐसे धीरे धीरे छोटे से बड़ा स्टार्ट करो। कैसे, पेंसिल थोड़ा पीछे पकड़ना, स्लांट में शेडिंग करनी है थोड़ी, धीरे धीरे बड़ा करते जाओ। धीरे धीरे ये पोर्शन जो है बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। बहुत एकदम से मत कर देना कि यहाँ से लेके यहाँ ज्वाइन कर दिया, धीरे धीरे बड़ा करना, ठीक है। यही गलती करोगे कि एकदम से बड़ा कर दिया यहाँ से लाते लाते इतने पोर्शन में, ठीक है। अभी रुक जाओ, ठीक है, अभी आराम से करना। ये पोर्शन है, अब चीक्स वाला पोर्शन करना है। तो चीक्स में कितना छोड़ना है वो देखो, तो यहाँ से करना है, हेयर्स पे मत कर देना वरना हेयर्स पे एक और डार्क लेयर लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे छूट रही ना, यहाँ से आ रहा है अपने चीक्स वाला पोर्शन, आप देख सकते हो एक हल्का सा यहाँ पे आ रहा है इतना। तो वही करना है अपन को, ऐसे स्लांट में करना, वर्टिकली शेडिंग नहीं करेंगे, स्लांट में करेंगे। और इतना एक पार्ट छोड़ना है अपन को, देख सकते हो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ईयर्स के ऊपर वाले पोर्शन से यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो इतने पोर्शन में अपन को शेड करना है, जैसे स्लांट में शेड करते करते आते जाओ। ठीक है, इसमें भी देख सकते हो छोटे से बड़ा होता जा रहा है, यहाँ पे पतला था यहाँ मोटा होता जा रहा है, तो वही अपन को करना है। पतले से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 मोटे होंगे ये, जैसे यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े थे, इसमें भी धीरे धीरे। एकदम से कर दोगे तो फिर वो पूरा एरिया जो है वो फिल हो जाएगा, वो नहीं करना। शेडिंग करते समय ऐसी डिटेलिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है, डिटेलिंग्स का केयर लास्ट में नहीं होती, शेडिंग करते समय अपन को ये हाइलाइट्स डेप्थ इन सब का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो ये धीरे धीरे बड़े होते गए, और बड़े होते होते कहाँ मिल गए, यहाँ नोज वाले सेक्शन में, ठीक है। ये हल्की हल्की जैसे शेडिंग है, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी इनके ऊपर कर देना, ताकि अपन को ब्लेंडिंग के समय आसानी रहे। तो हल्की हल्की जैसे यहाँ करी थी ना फोरहेड पे, तो यहाँ पे हल्की हल्की कर देना, बहुत लाइटली, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट लेयर शेड हो जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो आज अपन ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं, ब्लेंडिंग पहले ब्रश से करते हैं, इतना पार्ट ब्रश से करना है, फिर अपन कॉटन वाला देखेंगे। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इस तरीके से जो कर्व होते हुए आ रहा है, ये हल्का हल्का पहले ब्रश से कर लो जितना कर सकते हैं। फिर नीचे वाला पोर्शन उसे हल्का हल्का करते करते थोड़ा नीचे ले जाएंगे, जो अपन ने रीजन छोड़ा था ना, एकदम ही वाइट नहीं छोड़ेंगे अपन, ये हल्का हल्का ऐसे कर्व करते हुए ले जाएंगे, ठीक है। ये पीछे वाला जो कर्व जा रहा है, इसे भी एकदम अच्छे तरीके से जाना चाहिए पीछे।
सेम ये चीज यहाँ पे करेंगे। और पहले अपन इसलिए शेड कर लेते ताकि ब्लेंड अपन जो है फ्लो में हो, जितना फ्लो एक बार बनेगा मेरा पहले उतना ब्लेंड करो। ठीक, करते करते मैं नीचे आया हल्का। ठीक है, वही जो पार्ट ज्यादा स्मूथ नहीं हो रहा, कोई परेशानी उस जगह बहुत मत घिसना, क्योंकि क्या है फिर वो ब्लैक बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से अब कर्व करते हुए लाओ। ठीक है, हल्का हल्का कर्व करना, यहाँ पे हल्का हल्का कर्व करना। ठीक है, एकदम बाहर की तरफ मत ले जाना अभी, अभी नॉर्मली करो। ठीक है, बाहर की तरफ क्यों नहीं ले जाना था, क्योंकि यहाँ पे कर्व में नहीं आ रहा है, इसे बाहर की तरफ अलग से आ रहा है। ठीक है, तो अपन ये ब्रश से जिसे अपन ने शेड किया था उसी तरीके से ब्रश से ब्लेंड करेंगे। तो ब्रश एक ही जगह मत घिसते रहना, ऊपर नीचे इस तरीके से करते रहना, ये ऊपर नीचे करते रहना, पूरा एकदम नीचे नहीं ले जाना है। जहाँ नोज में अपन ने जितना शेड किया था ये सेक्शन, और थोड़ा बाहर की तरफ। ठीक है, अब आओ नोज के बेस पे, तो नॉस्ट्रल पूरी शेड हो जाएगी ऐसे नोज पे, जितने में अपन ने शेड किया था उतना पूरा सब ब्लेंड कर दो। अच्छे तरीके से करना, स्मूथ दिखना चाहिए। ये वाला जो सेक्शन है इसको भी कर दो। ठीक है, तो ये आईज और नोज वाला सेक्शन हो गया है। ये आईब्रोज के बीच वाला जो है इसे भी जरा कर लो, तो इसे किसी पहले वर्टिकली चलाओ। ठीक है, स्मूथली इसे हल्का हल्का कर्व कर लो इधर पे, इसे कर्व करते करते ही ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अब लो कॉटन, तो फोरहेड वाला सेक्शन करते हैं। ठीक है, कॉटन लिया, यहाँ पीछे से ऐसे सर्कुलर चलाना स्टार्ट करिए, और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट लाए इसे धीरे धीरे, ये धीरे सर्कल चलाते चलते राइट टू लेफ्ट लाए, धीरे धीरे सर्कल चलाते चलते राइट टू लेफ्ट, एकदम नहीं उठाना, मैं बोलता हूँ एकदम नहीं उठाते, स्मजेस आ जाते हैं। धीरे धीरे प्रेशर कम करेंगे, यहाँ थोड़ा प्रेशर रहेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा खींचने वाला प्रेशर, हल्का सा ब्लेंड करने वाला, यहाँ आते आते हल्के से उठ गया। ठीक है, धीरे धीरे फिर ऐसे ऐसे कर्व करते करते लाएंगे अपन, ताकि जो सेंटर पे अपन कर्व चाहिए वो मिल जाए। तो यहाँ पे किया धीरे धीरे, बाकी के आई के ऊपर वाला जो सेक्शन था, इसके नीचे वाला था हल्का हल्का, वो भी अपन कर लेंगे। नोज में जैसे जैसे बाहर की तरफ निकाल, कोई चीज साफ कर रहे हो, ठीक है, इसे भी बाहर की तरफ निकालो। तो ये अपना जो अपर सेक्शन जो अपन ने सबसे पहले शेड किया था वो अपन ने ब्लेंड कर लिया। ओके, अब यही चीज अपन ऐसी कॉटन को पीछे से पकड़ो ताकि आगे एक स्टैम्प टाइप बन जाए, ईयर्स को ब्लेंड कर लो ऐसे सर्कुलर चलाते चलाते। देखो उल्टा सीधा नहीं खींचते अपन, पागलों की तरह किसी भी डायरेक्शन में खींचे जा रहे हैं, नहीं, सर्कुलर चलाओ। इसे बहुत पतला बना लो, ऐसे जैसे टिप्स ही बना रहे हो, वो टिप को यहाँ नोज के बेस पे लाओ और उसे सर्कुलर चलाओ ऐसे। ठीक है, जो नोज पे थोड़ा नीचे वाला रफ पार्ट दिख रहा था अपन को, वो भी अपना ब्लेंड हो गया। अब यही सेम चीज अपन को पूरे चेहरे पे करनी है, लेकिन हम चेहरे पे हर जगह अलग अलग रहेगा, ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही फ्लो चलाएंगे अपन। जैसे चीक्स वाला रीजन देखो, राइट साइड वाला देखो, तो पहले बॉर्डर के पास सर्कुलर चला दो हल्का हल्का। ठीक है, पूरा रीजन ऐसे सर्कुलर चला लो यहाँ पे, ताकि ये ब्लेंड हो जाए। ठीक है, स्मूथ होना चाहिए, सर्कुलर में कोई डायरेक्शन नहीं आती है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ऊपर नीचे सर्कुलर चलाओ। ये हो गया इतना जो अपन ने पहले शेड करा था। चिन वाला जो सेक्शन आता है उसे सर्कुलर तो करते हैं अपन, लेकिन एक बार सर्कुलर कर लिया उसके बाद ओवल करो इसे। ठीक है, ओवल करा तो उससे अपना शेड और ज्यादा बेटर है, ऊपर ऊपर। तो ये अपन जो सेकंड पार्ट शेड किया था
भी अपना ब्लेंड हो गया। अब बचते सिर्फ ये लास्ट वाला पोर्शन, यहाँ पे आओ ऊपर से नीचे ऐसे सर्कुलर ब्लेंड करते हुए। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरा बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए, ठीक है, जितना हो रहा है उतना करो। फिर यहाँ जो हल्की हल्की बॉर्डर है ना, ये जो अपने जहाँ शेड किया है और जहाँ खाली छोड़ा उसके बीच का जो जंक्शन है उस पर हल्का हल्का चलाओ। सेम चीज यहाँ नीचे की तरफ होगी। ठीक है, इतना खाली पोर्शन उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसकी जो बॉर्डर है ना उस पे चलाओ हल्का हल्का, ताकि एकदम थोड़ा स्मूथली ब्लेंड दिखे। देखो जो स्मजेस आते हैं उन्हें प्रिवेंट करना है अपन को। एक बार ये हो जाए इसके बाद ब्रश लेना ऐसे कर्व करके, ठीक है, इस तरीके से कर्व करते करते नीचे की तरफ ले जाना थोड़ा, और फिर वही कर्व करते करते हल्का हल्का ऊपर, पूरा नहीं भरना ये रीजन अपन को अभी, हल्का हल्का लेते हुए आओ। इस पे हल्का हल्का ही ग्रेफाइट रहेगा आपके पास, सेम इधर पे इसे कर्व करते करते ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहां से नीचे से भी कर्व करते करते ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। चिन पे भी अपन ने जहां जहां हाईलाइट छोड़े वहां एक बार ब्रश से नीचे, यहाँ पे ऊपर छोड़ा था तो यहाँ पे ऐसे कर्व करते करते अपन ने ब्रश चला लिया, पूरा अंदर तक नहीं लाया, ठीक है, यहीं पे छोड़ दो। यहाँ से ऐसे कर्व करते करते ला रहे हैं तो यहाँ छोड़ दिया, तो ये अपना जो फर्स्ट लेयर है ब्लेंड हो जाती है। अब नेक की शेडिंग देखते हैं, तो नेक की शेडिंग में तीन अलग अलग हैं, तो अभी तो अपना मेन काम है सिर्फ एचपी से फिल करना, ठीक है। तो यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक पहले तो इसकी आउटलाइन जो थोड़ी ब्लेंड हो गई है उसे बना लो, और फिर इसे आराम आराम से जैसे अपन पूरा चेहरा शेड किया है उसी तरीके से शेड करना स्टार्ट कर दो। साथ साथ करते जाओ, ये तो आसानी से बस फिल करना है। ठीक है, फिर अपनी शेडिंग हो गई। एक बात ध्यान रखना, स्मूथ शेडिंग नहीं है, सिर्फ एक पार्ट डार्क एक पार्ट लाइट हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक जैसा होना चाहिए। अब ब्लेंडिंग की बारी आती है, तो जैसे अपन ने पूरा चेहरा ब्लेंड किया है ना कॉटन से सर्कुलर चलाते हुए, वैसे ही ये करना। सर्किल के रंग चेहरे के अंदर मत ले जाना और सर्कुलर चलाना। तो ये अपना नेक भी फर्स्ट लेयर नेक की भी शेड हो जाती है। अब सेकंड लेयर आ रही है चेहरे की, टू बी की लेयर करते हैं। तो टू बी होते ही है जितना एचपी करना है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सर्कुलर चलाते चलाते यहाँ पीछे तक ले जाएंगे, टू बी वाला रीजन है अपना। तो मोस्टली जितना अपन ने एचपी करा था वही है, ठीक है। आईज नोज ये राइट साइड वाला सेक्शन तो रेफरेंस में देखो तो पूरा ही अपना टू बी है, ठीक है। और यहाँ पे हल्का हल्का है पर फोरहेड में, राइट साइड में पूरा, लेफ्ट साइड में थोड़ा थोड़ा है, नेक में भी, तो नेक में तो तीन चार लेयर्स अलग अलग, ठीक है। तो अपन इतना करते हैं, तो देखते जाओ मुझे कहाँ कहाँ शेड कर रहा हूँ, साथ साथ ही करते जाओ। आईज वाला हो चुका है, नोज पे देखना, नोज पे बॉर्डर मत दोबारा ड्रॉ करते रहे इसे, तो डार्क टू लाइट करते हुए आना थोड़ा राइट साइड। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे डार्क टू लाइट करेंगे अपन।
ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एचपी में यहाँ तक किया था तो टू बी में उससे थोड़ा कम रहेगा, लेकिन रहेगा इस तरीके से, डायगनल में शेडिंग करी थी ना, टू बी में थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ नोज के बीच में ये वाला सेक्शन देख सकते हो, यहाँ पे टू बी को थोड़ा लाइटली यूज करना, जैसे यहाँ यहाँ किया उतना डार्क नहीं करना, थोड़ा लाइटली यूज करना इस तरीके से, यहाँ पे टू बी हुआ। अब आते हैं नोज पे, नोज का जो पूरा बेस है एक तो ये वाला, उस पे करना है। ठीक है, तो कैसे करना है वो देख लो कहाँ कहाँ तक। तो पहले तो आउटलाइन बना लो, ऐसे जो ब्लेंड हो गई थी उसे दोबारा ड्रॉ कर लो, और यहाँ ऊपर से ही यहाँ बेस पे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे जो कर रहे हैं इसे धीरे धीरे ऐसे करते करते ऊपर की तरफ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, रेफरेंस में भी देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, और अब इसे थोड़ा ये ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होगी डार्क टू लाइट ले जाने में, तो इसके बाहर बाहर जैसे अपन ने किया ना उधर पे मैकेनिकल पेंसिल से लाइटली शेड कर दो हल्के हल्के से, ताकि वो एरिया ब्लेंड करने में आसानी रहे अपन को। ठीक है, और दोबारा आउटलाइंस ड्रॉ कर लेना, नॉस्ट्रिल जो है उसे भी फिल कर लेना। ओके, तो अब जरा राइट साइड वाले सेक्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे वर्टिकल शेडिंग करते करते आओ। वो जो नोज और लिप्स के बीच में जो अपन को हाईलाइट दिख रहा है वो अपन बाद में इरेजर से बना लेंगे, मैं बता चुका हूँ। तो अभी जो मेन चीज अपन को दिख रही है यहाँ सामने उसे करो। ठीक है, चीक्स अपन ने एचबी में यहां तक करे थे, टूबी में उससे थोड़ा नीचे करेंगे, ताकि अपन को जो ग्रेडियंट लुक चाहिए ना हल्का हल्का वो अपन को आए। ठीक है, तो एच बी में यहां तक थे, टू बी में उससे थोड़े नीचे रहेंगे। इसे भी उतना ही स्मूथली करना जितना एच बी की थी लेयर, यहां बॉर्डर पे शहरी की आउटलाइन के पास आराम आराम से करना। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन पे आना है अपन को, तो भाई चिन का पोर्शन ये रहा, चिन के लिए अपन ने एक डाउनवर्ड फेसिंग कर्व ड्रॉ करा और फिर अब इसे शेड करना है, इसे स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक तो हो गया अपना, तो ये वाला जो सेक्शन है सिर्फ इतना वाला, इसे 2B से लाइटली ड्रॉ करना, शेड करना इसे, सिर्फ इतना सेक्शन। क्यों? क्योंकि अपनी रेफरेंस इमेज में ये लाइटली शेडेड है, यहाँ पे कम दिख रहा है। ठीक है, बाकी वाला रीजन जो अपना नीचे की तरफ जा रहा है, ये लिप्स के नीचे वाला है, वो डार्क है, लेकिन सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये लाइट है। तो अपन ने इतना लाइट किया, अब इसके बाद बाकी का सेक्शन अपन जैसे किया था वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे भी हाईलाइट के पास आ गए, तो एच बी यहां तक करी थी, तो टू बी उससे आधी रहेगी, ये बात ध्यान रखना।
ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉर्डर टाइप बना लिया अपन ने। आराम आराम से करना, ठीक है, तू भी आधे में करना है, पूरे में ऊपर तक नहीं करना। ठीक है, सेम चीज अपन ऊपर भी करेंगे। तो एक चीज समझना, इसमें देख सकते हो यहाँ पे डार्क से थोड़ा लाइट आ रहा है, तो यहाँ पे अपन थोड़ा जैसे नॉर्मली कर रहे थे, यहाँ आते आते हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का अपन को ध्यान रखना, उतना डार्क नहीं करना जितना ये वाला पोर्शन है। ये वाला पोर्शन एक्सेप्शनली डार्क है, उससे थोड़ा पीछे पकड़ा हो इसलिए मैं पेंसिल, तुम भी पीछे ही पकड़ो। ओके, पीछे ही पकड़ो और ये यहाँ पे शेड करना स्टार्ट कर दो। ऐसे एच बी में यहाँ तक किया था, यहाँ तक, टू बी में उससे कम करेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात का ध्यान रखना, बाद में गड़बड़ हो सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक बार में जितना कर पा रहे हो उतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर नीचे करोगे तो फिर वो एरिया फिल होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लेंडिंग के समय। यहाँ पे आए, यहाँ पे से कर्व करते हुए ऊपर ले जाने, ये जो अपन को दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो लोअर पोर्शन हो गया। जैसे अपन ने फोरहेड में राइट वाला पोर्शन किया था वैसे नॉर्मली अपन करेंगे, बस एच बी में यहाँ तक था, टू बी में यहाँ तक रहेगा। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना, तो यहीं तक करना है, बहुत आगे नहीं ले जाना है इन्हें। ठीक है, इस वाले सेक्शन में, लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा, जैसे इसमें एच बी यहाँ तक था तो टू बी सिर्फ यहीं तक रहेगा। ये जो कर्व कर रहे हैं ना अपन इस तरीके से, टू बी सिर्फ यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो ये अपनी सेकेंड लेयर भी शेड हो जाती है, हल्का हल्का यहाँ पे भी कर लेना, लाइटली लाइटली। ठीक है, ये अपनी सेकेंड लेयर शेड हो जाती है। ब्लेंडिंग स्टार्ट करते, ब्रश लो, ठीक है, नॉर्मली जैसे अपन कर रहे थे, फर्स्ट लेयर जैसे ब्लेंड करी, सेकेंड लेयर भी वैसे ही करेंगे, बस हाइलाइट्स के बहुत ज़्यादा पास नहीं ले जाएंगे अपना कॉटन या फिर ब्रश। ब्रश तो वैसे भी अपन एकदम एंड में चलाएंगे, हल्का हल्का। एक चीज़ और अपन भूल गए, यहाँ यहाँ करना, तो अपन ने यहाँ पे ऊपर तक किया था टू बी से, आईब्राउज के बीच वाला जो सेक्शन है उसे थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना। ठीक है, तो अब ये आईज के ऊपर अपन ने किया, आईज के नीचे बाहर जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है, बाद में इरेज हो सकता है। ये भी अपन ने ब्लेंड कर लिया। ठीक है, इसे भी हल्का हल्का ब्रश चलाते जाओ आराम आराम से, और नोज वाला सेक्शन करो। ठीक है, अब जरा कॉटन ले लो, क्योंकि ब्रश से जितना भी करना था ना कर लिया, कॉटन से अब स्टार्ट करो। कॉटन को एकदम पतला कर लो, ठीक है, या फिर थोड़ी कम सी कॉटन लो, और ये जो नोज का बेस है, ठीक है, इसे टाइटली बना लो ऐसे, और जो नोज का बेस है इस पर सर्कुलर चलाना स्टार्ट कर दो ऐसे। ठीक है, देखो छोटे से कॉटन के पीस से मैं नोज ब्लेंड कर रहा हूं। ठीक है, तो बड़े कॉटन पीस से वही आई के ऊपर वाला पोर्शन, फिर ये लिप्स के और नोज के बीच वाला पोर्शन ऐसे सर्कुलर ब्लेंड करते जाओ। ठीक
ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था कम करना, इसलिए बस बॉर्डर के पास नहीं ले जाना, इसे भी ऐसे सर्कुलर चला लो बस। ये चीक्स वाले पोर्शन के लिए थोड़ा साफ कॉटन ले रहे हैं, कॉटन का पीछे वाला साइड ले लेना, ठीक है। गंदा कॉटन यूज मत करना जिस पे ऑलरेडी ग्रेफाइट लगाओ, वरना ये रीजन बहुत ज्यादा काला हो जाएगा अपना। ठीक है, ये हुआ। अब वही अपन जो ब्रश से कर रहे थे, ब्रश से कर्व करते करते थोड़ा ऊपर लाओ, थोड़ा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, तो फिर थोड़ा नीचे ले जाओ, सेम इससे ऊपर लाओ। एक बार पूरे चेहरे पे हर जगह, जैसे अपन ने फर्स्ट लेयर में ब्रश चलाया था, उसे स्मूथ करने के लिए हर जगह ब्रश चला लो, ताकि जहां जहां पे थोड़ा रफ सा रह गया हो कहीं पे, हाइलाइट्स के पास, लिप्स के पास, नोज के नीचे, कहीं पे भी, ठीक है। ठीक है, तो ये अपनी सेकेंड लेयर भी ब्लेंड हो गई है। नोज पे जरा आराम से करना, एक बात का ध्यान रखना, नोज को बहुत जल्दबाजी में नहीं करो, नोज के लिए सफिशिएंट टाइम दो, आराम से ब्लेंड करना। तो आओ चलो फिर अपन शेडिंग स्टार्ट करते हैं। एक एक अपन फेस का एलिमेंट पकड़ेंगे, आईज से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो एक ब्लेंडिंग स्टंप ले लो और आईज की जो बॉर्डर है, ठीक है, ब्लेंडिंग स्टंप पे हल्का फुल्का ग्रेफाइट तो लगा ही होगा, तो यहाँ पे बॉर्डर जो है वो ब्लेंड कर लो। ओके, तो पहले मैकेनिकल पेंसिल लो, मैकेनिकल पेंसिल के टिप आगे कर लो, और हल्के हल्के जो आईज में अपन ने स्ट्रोक लगाने सीखे ना, धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा रहे, फिर एक आध ऊपर, छोटे छोटे पास पास स्ट्रोक्स लगा रहे, फिर एक आध ऊपर, इस तरीके से करते करते अपन ऊपर आएंगे, ठीक है, यहाँ तक। क्योंकि इसके बाद देख सकते हो ऊपर पूरा डार्क है, बस ये चार डॉट्स है, इस तरीके से कर्व करते करते ऊपर, कर्व करते करते ऊपर, ये वाला पार्ट तो पूरा ऐसे डार्क रहेगा, ठीक है। ये जरा सावधानी से करने वाला पार्ट है, कि अब ये आंखों में सुंदरता रहती है। आराम आराम से, और से नीचे वाले स्ट्रोक्स भी हैं जो आईज में, वो लगा लिए। अब फिर से इसे ब्लेंड करा, पूरा नहीं करना, जो बॉर्डर है और ऊपर वाला पार्ट है ये ब्लेंड करा। अभी अपन को और डार्क चाहिए, तो फिर अपन ने क्या किया, अपन ने 6B पेंसिल ली, ठीक है, ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन है, सर्कुलर शेडिंग करते करते अपन ने पूरा ऊपर वाला पोर्शन शेड कर दिया, और ऐसे भी ब्लेंड कर दिया, ठीक है। अभी सूनी सूनी लग रही है आंखें, लेकिन जब अपन बाद में वाइट जेल पेन से हाइलाइट्स दे देंगे तब बहुत बढ़िया लगेगी। तो आओ अब अपना भाई, अपना पेन भी, पेंसिल। तो ये जो डार्क पार्ट दिख रहा था ये वाला, अब ये बनाने का टाइम आ गया, तो इसे की जो आउटलाइंस है दोबारा अपन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक थी आउटलाइंस, और ये पार्ट जो है इसे फिल कर दो, ठीक है। आई के नीचे वाला जो पोर्शन है, अब जरा ये वाला, और इसे ड्रॉ किया, इसके नीचे एक और जो आई लैशेस वाला पार्ट था उसे ड्रॉ किया, ठीक है। अब अपनी नीडेड इरेजर या मोनो जीरो इरेजर से वो वाला जो पार्ट है उसको इरेज कर लो। पहले नीचे वाले आई लैशेस बनाते हैं, तो देखो जरा ध्यान से, आईलैशेस आगे वाले राइट की तरफ है,
सेंटर वाले नीचे की तरफ और पीछे वाले लेफ्ट की तरफ। तो सेंटर से स्टार्ट करो, मैकेनिकल पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर वाले करेंगे बटेर की पेंसिल से। तो मैकेनिकल पेंसिल को जरा थोड़े प्रेशर के साथ चलाना और एक एक जो आई लैश है नीचे वाला देखो किस तरीके से बना रहा हूँ मैं, ठीक है? तो पहले देखो और फिर बनाना। पीछे वाले थोड़े ज्यादा घने हैं, पीछे वाले पास पास दिख रहे हैं पर वो थोड़े बड़े भी हैं। आगे वाले कम हैं, आगे वाले थोड़े छोटे भी हैं और कम भी हैं, ठीक है? एक एक दो दो के पेयर हैं, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि घने हुए, एक एक दो दो के पेयर ही हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक और जो नीचे कर्व दिख रहे हैं ना आई के, ये वाला पोर्शन ऐसे हल्का हल्का मैकेनिकल पेंसिल से ड्रॉ कर लो, बहुत लाइटली। मैं पहले ही बोल रहा हूँ बहुत लाइटली, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि एकदम डार्क सी आउटलाइन दे दी, ठीक है? इतना कर लो अभी। तो यहाँ आईलैशेस देखो अपर वाले, ये 10B से बना रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ आगे की तरफ यहाँ थोड़े से छोटे छोटे, ठीक है? फिर यहाँ पे ऊपर जो जा रहे हैं वो एकदम बड़े और कर्व, ठीक है? एक बड़ा एक छोटा इस तरीके से बने दिख रहे हैं मुझे इसमें, तो मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा। एक एक आईलैशेस की डायरेक्शन और शेप कॉपी करने की कोशिश करो, ठीक है? आराम आराम से करो। जैसे मैं इस वाले पे हूँ, ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये पीछे की तरफ है, इससे एक अलग सा निकलता हुआ है। अब ये इस तरीके के हैं क्रॉस करते हुए, फिर एक अकेला जाता हुआ, फिर एक ये पीछे की तरफ ऐसे लंबा जाता हुआ, फिर ऐसे पीछे की तरफ दो जाते हुए ये। ठीक है, और ये आगे वाला पार्ट देख सकते हो, ये वाला थोड़ा डार्क भी है। अगर अपनी 4B या 6B पेंसिल लो कोई भी, और ये हल्का हल्का जो है इसे ऐसे शेड कर लो, सिर्फ ये आगे वाला पोर्शन आराम से शेड करना, बहुत ज्यादा एकदम डार्क मत कर देना। और फिर ब्लेंडिंग स्टंप लो अपना, तो ये जो अपन ने शेड करा था ये आई के ऊपर वाला पोर्शन, ये ब्लेंड करो, और जो अभी शेड करा है ये ब्लेंड कर लो। ओके, तरीके से अपनी लेफ्ट आई हो जाती है। ये हल्का हल्का जो टिप पे है ना, टिप पे जो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दिख रही है, शेड दिख रहा है, वो ब्लेंडिंग स्टंप से कर लेना। ये आई के ऊपर यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा शेड है, यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा शेड है, ठीक है? तो ये ब्लेंडिंग स्टंप से ही हो जाता है अपना। यहाँ हल्की हल्की 4B की जरूरत है, ऊपर ऊपर देख सकते हो, यहाँ से 4B करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पूरा ऊपर तक नहीं ले जाएंगे, सिर्फ ये आई के पास पास वाला जो रीजन है, सिर्फ ये वाला, ठीक है? इस तरीके से कर्व रखते हुए, ठीक है? यहाँ यहाँ पे 4B रहेगा, और जहाँ जैसे ही अपन नोज वाले रीजन पे आएंगे तो धीरे धीरे लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम से मत कर देना, वो अजीब सा लगेगा, तो उसे थोड़ा ब्लेंड करते हुए आना चाहिए। ये वाला पोर्शन है, इसे थोड़ा धीरे धीरे लाइट होता हुआ आ रहा है, ठीक है? कैसे, यहाँ पे नॉर्मली जैसे 4B कर रहे थे अपन, वैसे नॉर्मली 4B की, और जैसे जैसे अपन नीचे आते आ रहे वैसे वैसे धीरे 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 ये लाइट होता गया। फिर बाद में इसको नॉर्मली कॉटन से लो और ब्लेंड कर लो, ठीक है? हल्का सा कॉटन से कर लो, और स्मूथ करने के लिए बाकी ब्रश से कर लो। इस तरीके से अपन आई का लेफ्ट वाली आई हो जाती है अपनी। हाईलाइट मैंने जैसे बोला बाद में दे देंगे अपन वाइट जेल से, एंड इतना कर लो। राइट आई करनी है, तो राइट आई भी वही सेम तरीके से रहेगी। तो पहले अपन आउटलाइन जो अपनी ब्लेंड हो गई थी इतनी हल्की हल्की आउटलाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है? अब धीरे धीरे भाई आई के अंदर स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट करो। ब्लेंड करने की बारी है, ब्लेंड करो आराम से। ठीक है,
फिर इसके बाद अपन को ऊपर वाले पार्ट में, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में 6B से करा था, तो इसमें भी 6B से करेंगे। तो ऊपर से नीचे आते आते थोड़ा सा लाइट कर देना, तो ऐसे नहीं कि एकदम ही डार्क करके छोड़ दो, हल्का हल्का लाइट कर देना। फिर ब्लेंड ऐसे थोड़े कर्व में करना, सर्कुलर चलाते हुए थोड़े कर्व में, ठीक है, ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे। ओके, अब इसमें तो इसके जैसा ये पार्ट है नहीं, ये थोड़ी अलग सी है आई। ओके, तो अपन क्या करेंगे, अपर आई लैशेज अब जरा ध्यान से देखना, स्टार्ट हो रही है छोटे से, तो पहले ऊपर वाले उसकी आउटलाइन दे दी मैंने, ऐसे हल्का सा ही कर जा रहा है पीछे की तरफ, जैसे इसमें हल्का सा गया था ना ये वाला पार्ट, इसमें भी हल्का सा गया है, बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का सा है। यहाँ देखो छोटे से स्टार्ट हो रही है, आई लैशेज छोटे से बनाने, एकदम नहीं करना कि एक छोटा बनाए अगले आगे वाले बहुत बड़े बन गए, वो गलती नहीं करते, ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे बनाए, फिर ऐसे ऊपर ऊपर धीरे धीरे कर्व करना स्टार्ट कर दिया। हर आई लैशेज देख सकते हो पिछले वाले से बड़ा है, ये वाला जो कर्व आ रहा है इसे बना लेना, आगे की तरफ पतला रहेगा, कर्व रहने चाहिए और एक दूसरे को क्रॉस करने चाहिए, ऊपर से मिलने नहीं चाहिए, कांटे नहीं लगने चाहिए, गंदे लगेंगे अगर कांटे जैसे बनाओगे, ठीक है। धीरे धीरे बनाया इतना, देख सकते हो और बड़े होते जा रहे हो और कर्व होते जा रहे हैं, जितने जितने पीछे जा रहे हैं तो और कर्व होते जा रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ऐसे धीरे धीरे। ठीक है, ये किया, इसके बाद ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से ब्लेंड कर लो, फिर नीचे वाला कर जैसे नीचे वाले पार्ट में इस बार पे इरेज किया था, यहाँ पे इसे भी इरेज करो, और फिर मैकेनिकल पेंसिल से लोअर आईलैशेस बनाने स्टार्ट कर दो। लेफ्ट आई में मैंने बोला था लोअर आईलैशेस एक एक आईलैशेस जैसा दिख रहा है ना वैसे ही देख के बनाना, तो इसमें भी मैं वही सेम चीज बोल रहा हूँ, एक एक आईलैशेस जैसा दिख रहा है आगे की तरफ थोड़े छोटे से, बीच में थोड़े बड़े से, नीचे की तरफ गिरते हुए ऐसे पीछे की तरफ थोड़े से ज्यादा, एक दो ज्यादा बस, रेफरेंस में देखो, रेफरेंस में समझ में आ जाएगा, प्रिंट आउट में समझ में नहीं आता फोन में खोल लो, फोन में थोड़ा जूम कर लो। ओके, इसके बाद क्या था, ये नीचे वाला जो कर्व है हल्के से अपन ने किया, हल्का हल्का शेड कर लो बस, और फिर जैसे अपन ने लेफ्ट वाली आई में ऊपर 4B से शेड करा था, इसमें भी अपन को 4B की जरूरत लग रही है, तो अपन यहाँ पे 4B की शेड कर, ओके, और अब इसे ब्लेंड कर लो। कॉटन से कर लो, फिर हल्का हल्का यहाँ ब्रश से कर लिया, ठीक है, इसमें आईलैशेस सही बनने चाहिए, इतना बना लो। तो आईब्रोज बनाओ, ठीक है, पहले राइट वाला देखते हैं, मैकेनिकल पेंसिल हल्के हल्के, ठीक है, ताकि अपन को एक शेप का आइडिया हो जाए कि पीछे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ताकि अपन 8B पेंसिल से उसी डायरेक्शन में कर ले। तो इतने आगे हुए, फिर जैसे जैसे पीछे जाते जाते अपना कर्व और लंबा होता जा रहा और नीचे की तरफ ऐसे कर्व होता जा रहा है, ठीक है। तो ये राइट वाला बनाया अपन ने, तो राइट वाले उतने ज्यादा दिख नहीं रहे अपन को पीछे से, लेकिन लेफ्ट वाला दिख रहा है कि पीछे से आगे आते हो, तो पीछे वाले पहले बना देता हूँ, पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं ना यहाँ यहाँ पे हल्के हल्के बस, पीछे बहुत आगे की तरफ नहीं आ रहे, सिर्फ इधर इधर है, ये पहले बना लिए, और फिर ये वाला जो पोर्शन है आगे से
ले जाता हुआ ये पहले बना। जैसे जैसे मैं पीछे जाते जा रहा हूँ कर्व और कर्व होते जा रहे हैं, थोड़े लंबे भी होते जा रहे हैं। और जब मैंने ग्राफ इरेज करने बोला था मैंने ये भी बोला था कि आउटलाइन इरेज कर लेना तो ये काम आती है, ठीक है। आउटलाइन बहुत हल्की हल्की चाहिए पड़ती है, बहुत ज्यादा एकदम डार्क नहीं चाहिए पड़ती। हल्का सा इस पर ब्रश चला लो, ठीक है, ताकि सराउंडिंग के साथ ब्लेंड हो जाए। अब आते हैं सेकेंड लेयर पे। तो सेकेंड लेयर भी सेम ही चढ़नी है, बस 8B पेंसिल से, ठीक है, ऐसे भरना नहीं है। बीच बीच में अपन रेफरेंस में देख सकते हैं थोड़े थोड़े गैप है तो चलता है उतना, जैसे नॉर्मली स्ट्रोक्स लगाते हैं अपन उसी तरीके से स्ट्रोक्स लगाएंगे अपन। पेंसिल शार्प रखना, ये जो पूरा आई का सेट रहता है ना, आई आई लैशेस आई ब्राउज, ये सब सुंदर लगने चाहिए। इसे भी थोड़े पीछे से आगे लाते हुए बना लो, पहले दिख रहे ना अपन को, फिर आप भले आगे से पीछे ले जाओ, ठीक है, हल्का कर्व करते हुए। ठीक है, ये बन गए। इस पे हल्का हल्का ब्रश चलाना, एकदम इसे पूरा ब्लेंड नहीं करना, इस पे हल्का सा दो चार बार ऐसे ब्रश चला लो, थोड़ा थोड़ा इसके बेस पे चला लो, ठीक है, यहाँ यहाँ बेस पे, यहाँ यहाँ बेस पे, ठीक है। तो ये अपने आईब्राउज बन जाते हैं, अब बना लो इतना। अब जरा आई में शाइन देखते हैं अपन, ठीक है। तो राइट आई में देखो चार डॉट, लेफ्ट आई में चार डॉट्स है, जैसे वन, ठीक है, लेफ्ट वाली सबसे बड़ी, फिर आगे वाली तीन छोटी होते जा रही है, एक दो तीन, ठीक है। इसमें तीन डॉट्स हैं, ये थोड़ी बड़ी है, वन टू और फिर थ्री। तो अब देखो आंखों में शाइन आ गई है, ये वाइट जेल पेन से अपन ने कर लिया, ओके। अब इधर देखो नीडेड इरेजर निकालो, ठीक है। तो जहां जहां अपन को हाइलाइट दिख रहे हैं आईज में, ये वाला, ये ऊपर वाले जो कर्व दिख रहे हैं, यहाँ यहाँ बनाते हैं। तो पहले राइट आई का देखो, पहले देख लो इस तरीके से एकदम टिप निकाल लो उसकी, और आगे पकड़ना, पीछे नहीं पकड़ना, आगे पकड़ना, ताकि सॉलिड इरेज हो एकदम, ठीक है। और जैसे ही नीचे की तरफ जा रहा ना, जैसे अपन ने स्ट्रोक्स लगाए थे, पूरा शेडिंग करी थी यहाँ यहाँ पे, उसी तरीके से ये अपन को ऐसे इरेज करना है, ठीक है। और एक चीज और, इस पे अपन जरा ग्राइंडिंग स्टंप चलाना था अपन को, ग्राइंडिंग स्टंप चला लो, सेम इस साइड करेंगे, ये अपन इरेज करने की कोशिश करो, उससे नहीं करो, क्या कहते हैं मोनो जीरो इरेजर से, और उसमें बहुत ज्यादा ही हो जाएगा एकदम से, थोड़ा पीछे पीछे भी है, तो यहाँ यहाँ पे भी कर लो। और ये आगे की तरफ जो जा रहा है ना, ये वाला छोड़ा था डायगनली, इसे भी इरेज कर लो। आराम आराम से, ठीक है। और इरेज करने के बाद हल्का हल्का बॉर्डर बॉर्डर पे से हल्का हल्का ब्रश चला लो इसे, ठीक है, ताकि वो थोड़ा एकदम से ऑड ना लगे, हल्का हल्का ब्रश चला लो इसे, ओके। तो आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से, आईज वाला पोर्शन इतना कर लो, बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब अपन को ये राइट साइड वाला पार्ट करना है, थोड़ा और डार्क करना है, थोड़ा, इसलिए अपन 2B की लेयर एक और बार चढ़ाएंगे। और डार्क करना होता तो अपन 4B की लेयर चढ़ाते,
तो कहाँ से चढ़ानी है, ये सेंटर वाले पार्ट से लेके यहाँ तक, ठीक है? तो ये सेंटर वाले पार्ट पे देख रहे हो, यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ डार्क दिख रहा है ना, तो यहीं से करना है, साथ साथ करते जाओ। तो जैसे अपन ने नॉर्मली चढ़ाई थी 2B की लेयर, वैसे एक और बार 2B की लेयर चढ़ानी है, ठीक है? उसे बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है अपन को, जितना डिफरेंस इसमें और इसमें दिख रहा है उतने डिफरेंस चाहिए अपन को। कंटिन्यू करते हैं, तो पहले ये वाला पोर्शन, इसके बाद चीक्स वाला पोर्शन ले जाओ। तो चीक्स में जहां तक अपन ने 2B किया था ना, उससे थोड़ा और नीचे करना है ये, ठीक है? ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे चीक्स वाले रीजन में, आराम आराम से। यहाँ बॉर्डर पे केयरफुली ऊपर से लाते हुए अब नीचे वाले पार्ट में आते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में केयरफुली करना, पहले देख लो चिन वाला पार्ट, ये तो नॉर्मली जैसे करना है अपन को वैसे ही हो रहा है। अब चिन वाला पार्ट क्या करना है, धीरे यहाँ पे एक लेयर और धीरे धीरे हल्की होती जाएगी, ठीक है? यहाँ तक तो नॉर्मल चल रहा था, अब यहाँ पे क्या है, हल्का होता जाएगा ताकि वो ऐसा लगे कि ब्लेंड हो गया एकदम से, ठीक है? तो अपन देख सकते हैं आधा पार्ट हो गया। यहाँ फोरहेड पे भी अपन को करने की ज़रूरत है, तो यहाँ फोरहेड पे भी अपन 2B से एक और लेयर चढ़ाएंगे, पूरी नहीं चढ़ाएंगे, कम कम ही चढ़ाएंगे, ठीक है? ताकि ब्लेंडिंग करने में आसानी रहे अपन को। ओके, तो कॉटन से ही ब्लेंड कर लो। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं अपन, तो यहां से ब्लेंड करते करते थोड़ा लेफ्ट की तरफ लाओ। ओके, ताकि ये थोड़ा डार्क लगे। अब थोड़ा इसको थोड़ा पतला कर लो। ओके, और इस वाला जो सेक्शन है ये आउटलाइन के पास, यहां यहां चलाओ, आराम आराम से चलाते जाओ। और यहाँ पे एकदम डार्क से लाइट होते जाना चाहिए, ब्लेंड दिखना चाहिए चिन वाले रीजन पे, ठीक है? ये करने के बाद चीक्स वाले रीजन है ये, यहाँ पे ब्रश चलाओ ऐसे हल्का ऊपर लेते जाते हुए, और यहाँ राइट से लेफ्ट लाते हुए। फोरहेड पे भी यही करना है, राइट से लेफ्ट ले जाते हुए ब्रश, बाकी चेहरे पे भी ब्रश अच्छे से चला लो ताकि वो ब्लेंड दिखे। और जो अपन को डार्क शेड चाहिए था ना एक साइड, वो अपना आ चुका है। 4B पेंसिल ले लो, 4B पेंसिल को इस तरीके से शार्प कर रखा है। तो अब जो नोज दिख रहा है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखो ऐसे कवरिंग सी है, तो सर्कुलर शेडिंग मेथड से ये कर्व करते रहो इस तरीके से, धीरे नीचे का कर्व किया, फेस के बाद यहाँ का कर्व किया, धीरे धीरे जो आउटलाइंस है इसे ले जा रहे हैं। और हल्का हल्का जैसे ये 4B कर रहा हूँ, इनके ऊपर हल्का हल्का शेड कर दो ताकि जब ब्लेंड करें तो सराउंडिंग के साथ ब्लेंड करने में इजी रहे, ठीक है? तो ये हल्का हल्का किया अपन ने, आउटलाइन भी दे दो जरा। ओके, फिर आती बेस की बारी, तो बेस की जरा ये आउटलाइन बनाई मैंने। आराम आराम से अब देखना, जरा ध्यान दो पहले इधर, ठीक है? अभी ड्रॉ नहीं करना है कुछ, तो धीरे धीरे अब क्या करना है, ये जो नीचे एक लेयर गायब दिख रही है ना एक लाइन सी, ये तो अपन मोनो जीरो इरेजर से इरेज करेंगे, ठीक है? इस तरीके से धीरे धीरे कर्व करते हुए, ये दिख रहा ना, ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में जब ड्रॉ करवाया था तो उसमें भी मैंने ऐसी शेड करा था, याद है? तो इस तरीके से धीरे धीरे देख लो, पहले यहाँ यहाँ किया और हल्का हल्का ऊपर से नीचे की तरफ भी लाई, ये दिख रही ना एक और लाइन अपन को, तो आराम आराम से करेंगे अपन।
एक चीज और करेंगे, लाइन तो बना ली, इसको थोड़ा ब्लेंड करना है, तो ऐसे डार्क टू लाइट टोन ले जाएंगे अपन, डार्क से लाइट। ठीक है, तो ये किया अपन ने। अब आता है ये वाला कर्व, तो ये कर्व ही नहीं अकेला, ठीक है कि एक सिंपल सा कर्व बना दो, देख सकते हो बेस के पास मोटा है, ऊपर जाके पतला हो रहा है, ट्रायंगुलर शेप सा है हल्का सा। तो स्टार्टिंग में अगर सही बनाया होगा ये, यहाँ पे बेस ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, ऊपर जाके बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से था, ट्रायंगुलर शेप में है ये, हल्का हल्का, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे तो डार्क था, यहाँ पे ऐसे ब्लेंड हो जाएगा एक तरीके से। और अब शेडो भी बना लेते हैं साथ साथ में इसकी। तो शेडो को क्या है, इससे आउटलाइन नहीं देना है, क्या करो ऐसे पीछे पकड़ो पेंसिल को और पीछे, ठीक है, यहाँ से ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर शेडिंग करते जाओ और एक शेप बनाते जाओ। मैंने क्या बोला, शेडिंग करते जाओ, शेप ड्रॉ नहीं करना है अपन को। आपको इमेजिन हो गया होगा कैसे करना है, आराम से बना लो तुम। बहुत ज़्यादा डार्क मत कर देना, ये गलती करते हैं सब कि शेडो को बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं। अगर अपन को डार्क चाहिए तो अपन एक और लेयर कर देंगे। अभी फर्स्ट लेयर बहुत ज़्यादा डार्क मत कर देना, और फर्स्ट लेयर को ब्लेंड भी आराम से करते हैं, वरना वो फैल जाएगा तो फ़र्क ही क्या पड़ेगा। तो ये हुआ अपना शेड, इतना कर लो पहले। तो ब्लेंडिंग करने के लिए कॉटन का एक छोटा सा पीस लो, ओके, छोटा सा कॉटन का पीस लिया अपन ने। तो इस तरीके से पहले जो साफ कॉटन का पीस है नोज पे स्टार करते हैं, नोज की स्टेम पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रखो और ऐसे सर्कुलर शेडिंग करो, नोज ये बहुत पतला होना चाहिए, जितनी तुमने शेडिंग करी है ना उतना ही पतला, ताकि जब शेड करो तो उतना और उससे थोड़ा ऊपर वाला पार्ट ही शेड हो पाए, पूरी नोज नहीं। इसमें अपन ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे, हल्का सा एंड में कर लेंगे स्मूथ करने के लिए। देख सकते हो बहुत आराम से कर रहा हूँ मैं, एकदम टिप बना के, इसे भी मैं एकदम पेंसिल की तरह टिप बना के कर रहा हूँ। सर्कुलर शेडिंग करो, ये वाला पार्ट मैंने क्या बोला था, एकदम ऊपर की तरफ ब्लेंड हो जाना चाहिए, तो इसे ऊपर की तरफ ऐसे ब्लेंड करते हुए ले जाओ, ठीक है, ताकि वो ऑड सा ना लगे। अब ये करते करते ऊपर इस बार इधर पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी रुक जाओ, ये बेस कर लो, अच्छे तरीके से होना चाहिए, देखो रफ नहीं होना चाहिए ये। इसके बाद शेडो करना, शेडो पे भी उतने ही सर्कल्स जो अपन ने ओवल शेप ये बनाया ना उतने ही रखना, और इस पर आराम स्मूथली करना, इसके ना बाहर ले जाना, क्योंकि इसमें देख सकते हैं बॉर्डर सी दिख रही है अपन को, वो बॉर्डर अपन को एक क्लीन बॉर्डर यहाँ पे भी चाहिए। अब ये जो नॉर्मली यहाँ पे करते हैं ना अपन ब्लेंड, ब्लेंड करते करते बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रश उठा लो, ये वाला पोर्शन ब्रश से कर लो, इतना आराम आराम से ब्रश से कर लो शेडो वाला पोर्शन, ये हल्का हल्का ब्रश इतने में चलाओ जितने में शेड है, ठीक है, हल्का हल्का चला लिया ब्रश अपन ने। अब नीडेड इरेजर लेना, और ये जो शाइन दिख रही है ना अपन को यहाँ पे, ये दिख रही है, और एक ये दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे, थोड़ा एक वर्टिकल सा एरिया ये बनाना। इसके बाद क्या करना, हल्का हल्का यहाँ पे शेड करना, क्योंकि देख सकते हो ये अंदर की तरफ आ गया है, सिर्फ इतना पार्ट शाइन मार रहा है अपना। तो हल्का हल्का यहाँ पे शेड करना, देखो पहले हल्का हल्का 2B से कर रहा हूँ ये मैं शेड, ओके 2B से। ये नोज स्टेम यहाँ तक थी, नोज स्टेम के थोड़ा अंदर किया यहाँ पे शेड अपन ने, थोड़ा लेफ्ट साइड से अंदर की तरफ किया, ओके। और अभी अपन ब्लेंड करना स्टार्ट करते हैं, इसे भी कॉटन से ही कर लो ब्लेंड, ठीक है, इसे सर्कुलर चला लो बॉर्डर पे,
ज़्यादा इजीली ब्लेंड हो जाएगा। सेम लेफ्ट साइड के लिए जाता है, इसे भी ऐसे सर्कुलर चलाओ, ठीक है। फिर और स्मूथली करने के लिए अपन ने ब्रश का यूज़ कर लिया, ठीक है। हल्का फुल्का ग्रेफाइट यहाँ पे आ गया है तो इसे इरेज करा और ये अपनी नोज हो जाती है, ठीक है, जैसे अपन की रेफरेंस में है। तो ये अपनी नोज भी कंप्लीट हो जाती है। अब लिप्स स्टार्ट करते हैं। अब अपन तो लिप्स को देखो, तो लिप्स में अपन नॉर्मली जैसे शेड करते हैं ऊपर कर्व की तरफ करना, ठीक है। कैसे करना, HB पेंसिल से अपन उसी तरीके से कर रहे हैं, आराम आराम से। तो कोई उल्टा सीधा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं करेगा, ये थोड़े स्लांट में है, ठीक है। देख सकते हो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वही डायरेक्शन अपन को यहाँ करनी है। ऐसे धीरे धीरे कर्व करते हुए ओवल शेप में जो शेडिंग करते ना अपन। अब नीचे नीचे क्या है, ऐसे बाहर की तरफ ये जो डायरेक्शन दिख रही है, ये ऐसे ये ऊपर की तरफ थे, ये नीचे की तरफ, तो इसमें इस डायरेक्शन में शेड करेंगे अपन। फिर क्या करेंगे, अपन ब्रश लिया अपन ने अपना और सिंपली ब्रश से ब्लेंड कर दिया। स्मूथली करना, ठीक है, और फिर ऐसे थोड़ा वर्टिकली चलाना। उसके बाद क्या, उसके बाद जरा आउटलाइन HB पेंसिल से, हर बार आउटलाइन HB पेंसिल से ही करना है अपन को, बीच वाले कर्व की आउटलाइन चाहे वो नीचे वाले लिप्स की आउटलाइन हो, सब HB से। ठीक है, इसके बाद आती 2B पेंसिल। तो 2B पेंसिल से भी अपन को क्या करना, अब देखो जहाँ जहाँ हाइलाइट्स दिख रहे हैं आपको ऊपर वाले लिप्स में, वहाँ वहाँ को छोड़ के बाकी सब जगह पर 2B करेंगे। कैसे, तो यहाँ से देखते हैं, पहले तो सेंटर वाले पार्ट में ऊपर तक जा रहा है, ये वाले पार्ट खाली हैं, ये वाला और ऊपर वाला, यहाँ पे ऊपर की थोड़ी कवरिंग है, इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे शेड करते हुए एंड में ऊपर तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से और फिर ऊपर से कवरिंग, तो देख सकते हो इसमें भी ऊपर से कवरिंग है, तो आराम आराम से यहाँ 2B में ऊपर से कवरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी और ज्यादा डेप्थ आ गई नीचे वाले लिप में, नीचे वाले लिप में तो जो अपन को दिख रही है ना डेप्थ, ज्यादातर ये व्हाइट जेल पेन से ये अपन ने इरेज करके करा है, तो नॉर्मल शेडिंग कर लो जैसे अपन ने फर्स्ट लेयर करी थी उस तरीके से कर लो। जो अपन को हाईलाइट देनी है वो अपन इरेजर्स की मदद से देंगे इस बार। ऊपर में क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ऊपर में इतना ज्यादा कुछ ब्राइट नहीं है, नीचे वाले में ज्यादा हाईलाइट्स ब्राइट है, ऊपर वाले में तो हल्का सा छोड़ने से काम चल जाएगा। ब्लेंड वैसे ही करना है नॉर्मली, ऐसे सर्कुलर चलाते जाओ, ठीक है। ठीक है, तो ये दो लेयर्स हो जाती हैं अपनी। 4B पेंसिल लो, पहले देख लो, ठीक है। 4B में जैसे स्ट्रोक्स लगाते हैं ना नॉर्मली, वैसे लगाना है। तो पहले जो बीच वाला कर्व है इसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब आराम आराम से स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट करो, जो दिख रहे हैं ना बहुत सारे स्ट्रोक्स ऊपर नहीं ले जाने, गिनती के चार, तीन चार यहाँ पे हैं, गिनती के तीन चार यहाँ पे हैं, ठीक है। तो बीच वाले थोड़े ऊपर तक जा रहे हैं, बड़े हैं, बाकी सब नॉर्मली चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से एक आध ऊपर, और फिर जो एंड में भरा वाला पार्ट है
वहाँ पे कम्प्लीटली अपन ने इसे फिल कर दिया। ठीक है, ये हल्की हल्की ऊपर आउटलाइन भी है यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे, ये आउटलाइन की तरह आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो पीछे पूरा भरा हुआ है, आगे आते आते स्ट्रोक्स हैं, तो इस तरीके से अपन ने करे। ठीक है, एक हाथ ऊपर नॉर्मल स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, फिर एक हाथ ऊपर। रेफरेंस देखो, रेफरेंस में अच्छे से दिख रहे हैं इस तरीके से जाते हुए ऊपर ऊपर। फिर बाद में जो हल्के हल्के दिख रहे हैं ना, उन्हें ऐसे 4B पेंसिल से बाद में ड्रॉ कर लेना, लेकिन ये वाले पार्ट अच्छे तरीके से फिल होने चाहिए। ठीक है, अब थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स नीचे वाले लिप्स में देखो, पहले बहुत ध्यान से देखो अब जरा। ये नीचे वाला बीच का कर्व हो गया। ठीक है, ये अपन आउटलाइन ले गए 4B पेंसिल से ही। और फिर ये नीचे वाला कर्व। ठीक है, तो ये अपना लोअर लिप के लिए बेस वाला काम है। अब हल्के हल्के से पहले तो छोटे छोटे कर्व निकालो नीचे की तरफ। देख रहे हो, ये छोटे छोटे कर्व मैं नीचे की तरफ निकाल रहा हूं। अभी कोई एक आध बड़ा नहीं ले जा रहा, सब ऐसे छोटे छोटे नीचे की तरफ कर रहा हूँ। एंड में जो थोड़ा डार्क पार्ट दिख रहा राइट साइड, इसमें मैंने भर दिया ये। सेम चीज यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड ले गया, वो दिखना जरूरी रहता है। इसमें भी दिख रहा है अपन को हल्का हल्का, पूरी डार्कनेस एकदम अपर लिप में नहीं कर सकते अपन, लोअर लिप ऑड सा लगेगा, तो हल्का हल्का यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, अब एक आध दो ये जो दिख रहे हैं ना स्ट्रोक्स नीचे आते हुए यहाँ पे, ये नीचे आते हुए दिख रहे हैं, बीच में एक आध बना है सिंगल सा कर्व में आने चाहिए ये, नीचे से ऊपर जाते हुए भी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब ऊपर से नीचे आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं, कुछ ऊपर से नीचे आ रहे हैं इस तरीके से। सेम इस साइड है, नीचे से ऊपर है। ठीक है, तो ये अभी तो इनकम्प्लीट लग रहा है। अब जरा नीचे वाले पे लुक दो, ये भी तो एक कवरिंग है। ये बनाना कैसे भूल गए, भूले नहीं है, पहले ये बनाना जरूरी था, तो इसे भी इस तरीके से शेड करो 4B से। यहाँ से ऊपर की तरफ शेड करना स्टार्ट किया, क्योंकि अपन को पता है अपन को एक लेयर हटानी है यहाँ से लिप के लोअर पार्ट से। बाद में हाइलाइट्स का पार्ट है, लेकिन अभी सिंपली यहाँ पे जाते एंड में जाते जाते देख सकते हो पतली होती जा रही है, ध्यान देना। ये गलती देखो नहीं करना कि पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक सब मोटी है, एंड में जाते जाते पतली हो रही है ये लेयर। ठीक है, फिर यहाँ ऊपर अपने हाइलाइट्स है, तो ये वाला पार्ट तो छोड़ दो, उसके नीचे देखो हल्का सा एक पतली सी लेयर, ये भी ऐसे 4B से शेडेड है। उसके बीच उसके नीचे एक और लेयर छूटी है, उसके नीचे फिर ये लेयर आती है। ठीक है, तो ज़रा जूम कर लो यहाँ पे, तो एक देख सकते हो पतली सी लेयर एंड में भली बड़ी हो गई, यहाँ पे भी थोड़ी पतली सी लेयर। एंड में बड़ी हो गई। ठीक है, अभी अजीब सा लग रहा है, अभी लग रहा है कि क्या गड़बड़ कर दिया ये अपन ने, गड़बड़ नहीं किया, सब सही किया है। अभी इसमें हाइलाइट्स की जरूरत है, अकेला डेप्थ और डिटेल से नहीं होता, हाइलाइट्स भी जरूरी है। ब्लेंडिंग स्टंप लो। ठीक है, ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से जो अपन ने 4B किया है जितना स्ट्रोक्स लगाएं, ये ब्लेंडिंग स्टंप से एक बार आराम से ब्लेंड कर लो। नीचे वाला पार्ट जो है वो कर लो ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से ब्लेंड। ये वाला पार्ट है आराम आराम से करना, देखो घिस नहीं रहा हूँ मैं ब्लेंडिंग स्टंप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ब्रश से करना है। ब्रश से नहीं तो देखो जो स्मॉल कॉटन पीस जो अपन ने नोज का किया था ना, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे एकदम कुछ नहीं करना है, ऐसे लेफ्ट टू राइट ले जाओ, ताकि ये जो अपन ने बनाए हैं शेप वो हो जाए। अपर लिप में
बाद में करना, क्योंकि अपर लिप का ग्रेफाइट फिर लोअर लिप पे आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कर लो आराम आराम से। ठीक है, तो देखो अब जरा 4B पेंसिल लो, ये जो नीचे शेडो दिख रही है, ठीक है, ये जो नीचे शेडो दिख रही है ये भी साथ साथ ही बनाना है अपन को। तो यहाँ से दिख रही है अपन को, यहाँ से जाती हुई, तो जैसे ऊपर नोज की बनाई थी ना, तो कैसे बनाई थी, ऐसे शेडिंग करते हुए, तो ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला है और फिर ये लिप्स की आउटलाइन करते हुए जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेम इस साइड है, यहाँ पे भी ऐसे शेडिंग करते हुए है ये पार्ट, ऐसे नीचे जाता हुआ और ये हल्का हल्का ऊपर शेड होता हुआ। ठीक है, 4B से है तो, लेकिन इसे अपन को सराउंडिंग के साथ अच्छे से ब्लेंड करना है। तो कॉटन लो और कॉटन रख के उधर पे थोड़ा सर्कुलर चला लो। ठीक है, सराउंडिंग के साथ ब्लेंड होना चाहिए हल्का हल्का, ये वाला कम चलेगा लेकिन ये वाला पूरा होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो इस पे भी सर्कुलर चलाओ कॉटन, हल्की हल्की शेडो दिखनी चाहिए 20 का ये रहा, और इसे ब्लेंडिंग स्टैम्प की मदद से करो ताकि ये अच्छे तरीके से होए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये हो जाता है। हाइलाइट्स देने अपन को, अब कैसे देंगे, मोनो जीरो इरेज़र की मदद से देंगे। तो देख सकते हो सबसे पहले हाइलाइट्स तो यही हैं, ये ऊपर से जो दिख रहा है, तो इसे इरेज करने की कोशिश करो अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई एक छोटा रेक्टेंगल, कोई थोड़ा लंबा रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरीके के बीच बीच में थोड़ी स्पेसेस दिख रही ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे गैप है, यहाँ पे दिख रहा है अपन को, यहाँ एंड में जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये हल्का हल्का इन पे ब्रश चला लेना ताकि एकदम ही ना दिखे, इतना सा ठीक है। फिर ये जो नीचे की लाइन दिख रही है अपन को, पीछे से नहीं आ रही, ये कहाँ से आ रही, यहाँ से। तो क्या किया अपन ने, ऐसे ही कर्व ले जाते हुए ऊपर तक, ठीक है, ये ऊपर तक ले गए अपन। ठीक है, ये जो हल्की हल्की आउटलाइन गायब हो गई होगी उसे दोबारा बना लेना। ठीक है, इस तरीके से बेटर। और फिर यहाँ जो ऊपर ऊपर हाइलाइट्स दिख रहे हैं वो ऐसे नहीं दिख रहे इरेजर, मोनो जीरो इरेजर के, वो इससे है। नीडेड इरेजर लो और ऊपर ऐसे जैसे धब्बे लगाते ना, कैसे, इस तरीके से लगाओ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ना अपन को इतने पार्ट में, तो ये आ जाएंगे। और फिर अपनी HB पेंसिल लो, ओके, और फिर वो हल्के हल्के जो स्ट्रोक्स जा रहे हैं ऊपर ऊपर की तरफ दिखते हुए, तो हल्के हल्के थोड़े गैप के साथ 4-5 यहाँ पे और 4-5 यहाँ पे ऐसे कर दो, तो ये बेटर हो जाएगा। यहाँ पे जो डार्क डार्क दिख रहे हैं ना इन हाइलाइट्स के बीच में, HB पेंसिल से वो भी ड्रॉ कर लो अपनी। ठीक है, ये जो डार्क थोड़े से दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आउटलाइन होती है अपनी, हाइलाइट्स भी होते हैं, लिप्स वाला पार्ट तो हो जाता है अपना। ठीक है, लिप्स वाले पार्ट के बाद अपने नोज और लिप्स के बीच में ये जो पार्ट है इससे देखना है। तो नीडेड इरेजर लो और नीडेड इरेजर को थोड़ा ऐसे पेन जैसा शेप दे दो, यहाँ पीछे से इरेज करना स्टार्ट करो। ठीक है, पीछे से इरेज करना स्टार्ट किया, यहाँ पे पतला रहेगा बहुत, यहाँ पे भले सेंटर वाले पार्ट पे तो अपन को दिख रहा है मोटा है, लेकिन जैसे जैसे अपन ने कर्व क्रॉस किया यहाँ पे बहुत पतली सी एक लेयर आ जाएगी, बहुत पतली सी लेयर। उसके लिए इसे ऐसे चपटा सा कर लो प्रेस करके। ठीक है, तो उसके लिए आराम आराम से ये इरेज करो और एंड में जाके ख़त्म। ठीक है,
अब अभी भी अपन को ऊपर की तरफ ज्वाइंट करना, तो एक चीज ध्यान रखना, गलती क्या करोगे, उल्टा सीधा कर दोगे, ये यहाँ भग रहा वो वहां भग रहा, नहीं अपन को देखना है कि यहां से निकल रहे हैं और यहां आके ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, तो ये वाला पार्ट जो है एकदम एब्सोल्यूट है, तो इसे उससे कर सकते हो, मोनो जीरो इरेजर से। ठीक है, बहुत मोटा मत कर देना। ये वाला पार्ट दिख रहा है अपन को थोड़ा मोटा, वो मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ ये सेंटर से दिख रहा है हल्का सा, देखना इसे मैंने सेंटर से किया और यहाँ पे कर्व किया यहाँ तक ऐसे, क्योंकि अपन को रेफरेंस में भी ऐसे दिख रहा है ये जो। अब क्या करना है अपन को, 2B पेंसिल लो। ठीक है, 2B पेंसिल से क्या किया अपन ने, ये वाला पार्ट जो दिख रहा आधा पार्ट, अभी आधे में अपन ने इरेज कर दिया और ये हाफ पार्ट दिख रहा है, ये इसे बहुत स्मूथली शेड कर लो 2B पेंसिल से। और इसका जो राइट साइड में है, ये जो अपन ने इरेज किया, इसके राइट साइड फिर से शेड कर लो 2B से, और ऐसे धीरे धीरे ब्लेंड करते करते बाहर की तरफ ले जाओ। और इसे भी अब ब्लेंड कर लो ब्रश की मदद से, इसे भी ब्लेंड कर लो ब्रश की मदद से। हल्का हल्का अभी और जरूरत है, थोड़ा इस साइड जरूरत है, हल्की हल्की बहुत लाइटली, थोड़ा नोज के नीचे, थोड़ा लेफ्ट साइड, बहुत हल्का। ठीक है, बहुत लाइटली, और फिर से ब्लेंड कर लो। ठीक है, ये वाला पार्ट भी अपन ने ब्लेंड कर लिया, तो एकदम बहुत ज्यादा नहीं उभर के आना चाहिए। ठीक है, एकदम भी वाइट नहीं छोड़ना है अपन को ये, इसलिए इस पे हल्का हल्का ब्रश चला लिया था मैंने। ओके, तो ये वाली हाईलाइट भी हो जाती है अपनी कंप्लीट, एक बचती है बस, वो है नोज की जो दिख रही है नीचे से। तो मोनो जीरो इरेजर से देखना, फॉलो करना, ऐसी पतली सी एक लेयर इरेज करनी है अपन को, बहुत ही बारीकी का काम है, इसलिए आराम से देखो। यहां से ले गए इधर तक, ऐसे पतली हो गई, एंड में जाते जाते ये पतली हो गई। ठीक है, तो ये नोज के नीचे भी जो हाईलाइट दिख रहा था अपन को, अपन ने वो तक बना लिया। तो इसके साथ ठीक है, इतना अपना हो जाता है चेहरे का, बस नेक का शेडो बची है और बाल बचे हैं, वो तो अपना नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा। तो आज के लिए इतनी काफी है। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, नेक की शेडिंग करनी है, 2B से करते हैं अपन। ओके, नेक की शेडिंग स्टार्ट करनी है तो 2B से करते हैं। तो पहले एक बार देख लो कहाँ कहाँ करनी है, पहले मुझे देख लो, अभी साथ साथ नहीं करना। पहले तो जरा मैं चेहरे के पास करूंगा, चेहरे की जो ये आउटलाइन दिख रही ना, हाथ के नीचे कुछ रख लेना, अगर हाथ यहाँ लग रहा है चेहरे पे तो होनी चाहिए अपन को। और ये इरेज जरूर कर लेना, चेहरे के बाहर एक्स्ट्रा ग्रेफाइट फैल रहा था। ठीक है, जस्ट स्मूथली शेड करते करते नीचे की तरफ ले जाना, इवनली शेड करना है, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा, ऊपर डार्क है नीचे लाइट है। 2B से कर रहे हैं, आराम से करेंगे। ये जो शेप दिख रहा है ना, ये शेप हल्का सा अपन 2B से ड्रॉ कर लेते हैं, धीरे धीरे जॉ लाइन के साथ आ रहा है यहाँ, ये नीचे की तरफ। ठीक है, ये गया ना ऐसे, ये नीचे ये निकल गया आगे, ये यहाँ से आगे निकल गया, फिर एक यहाँ से आ रहा है, ये ड्रॉ नहीं कर रहा है, ये मैं हल्का शेड कर रहा है, जैसे शेडिंग चल रही है। ठीक है, ड्रॉ नहीं करना कहलाएगा, ड्रॉ करना यहाँ पकड़ के आगे से एक डार्क लाइन के पास होता है ये, अपन धीरे धीरे यहाँ, तो अपन को पता चल गया यहाँ पे उतनी शेडिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ तक है शेडिंग, ये देख सकते हो लाइन नंबर 12 के नीचे से जाते हुए, और लगभग लगभग यहाँ मिक्स हो रही है। ये अपन ने एरिया जो है वो पहले डिवाइड कर लिया, अब अपन को कोई टेंशन नहीं है, तो पहले ये चेहरे के पास वाला जो है इसे स्मूथली फिल कर लो। एक चीज और, इसकी जो आउटलाइन है हल्की हल्की मैकेनिकल पेंसिल से हल्की हल्की आउटलाइन ड्रॉ कर लो।
अब बाकी का शेडिंग दोबारा करना स्टार्ट करते हैं अपन। देखो एक सिंगल डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ लाए, बाकी ये राइट टू लेफ्ट किया। बाकी ये जो है इसे थोड़ा बहुत अलग करने के लिए ऐसे वर्टिकली शेड कर सकते हैं। इसके नीचे नहीं ले जाना है, ठीक है? देखते ही करो। इसके नीचे नहीं ले जाना, इस वाले पार्ट में यहां जरूर करना है शेड लेके। ठीक है, जहां जहां थोड़ा रफ सा लग रहा है वहां दोबारा कर लो। ओके, तो इधर पे अपन ने शेड कर लिया। अब ब्लेंडिंग करनी है तो वो ब्रश से करेंगे। तो ब्रश से कितना करेंगे, जो चेहरे के पास पास वाला है, ठीक है? जिस तरीके से चेहरे का शेप बाहर ही रखना ब्रश को चेहरे से, ठीक है? चेहरे को से बाहर ही रखना ब्रश को। तो ये नीचे नीचे जो पार्ट है चेहरे के पास वाला, ब्रश से कर लो आराम आराम से, ठीक है? इस तरीके से जो फ्लैट ब्रश रहता से कर लो, ताकि बॉर्डर जो है वो अंदर की तरफ ना फैले, क्योंकि देख सकते हो एक अंदर से यहाँ पर बॉर्डर भी है। वो अपन जब हेयर्स बना लेंगे तब अपन दोनों जीरो इरेज़र से इरेज़ करेंगे हाईलाइट बनाने के लिए, ठीक है? चेहरे के पास वाला हिस्सा मैंने आराम से कर लिया। अब जो बाहर वाला हिस्सा है वो मैं नॉर्मली कॉटन से कर लूंगा। तो अपनी कॉटन ली मैंने और ऐसे सर्कुलर चलाना स्टार्ट कर दी। ध्यान रखना चेहरे के अंदर नहीं जानी चाहिए कॉटन या कोई भी तरीके का शेड। अभी अपन को जहां जरूरत होगी वो बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी है प्रिवेंट करना उसे। आराम आराम से सर्कुलर शेड कर लो। ठीक है, थोड़ी आउटलाइन बना लो। ये करते हैं, इसके बाद ईयर्स देखते हैं और फिर अपन हेयर्स देखते हैं, ठीक है? तो ये अपनी फर्स्ट लेयर हो जा सेकेंड लेयर हो जाती है 2B पेंसिल से, ठीक है? ये करने के बाद अब आते 4B। तो 4B देखो एकदम कान से नहीं आ रहे हैं, ये यहाँ से है। लाइन नंबर 11 यहाँ से करो, भी जो है इस तरीके से आ रही है एकदम पतले पतले आराम आराम से। ठीक है, इस पार्ट में 4B, तो इसे आराम आराम से फिल करना स्टार्ट करो 4B पेंसिल से। देखो 4B पेंसिल को बहुत ज्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल से भी अपना काम हो जाएगा। इस तरीके से शार्प करके पीछे पकड़ के आराम से शेड करो। ठीक है, और अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करते समय ब्रश जो है थोड़ा यहाँ पे भी लाना, देख सकते हो ये वाला पार्ट डार्क है, तो ये अपन नीचे नीचे भी लाएंगे। तो ये जो पार्ट है वो अपन को अच्छे से दिखे। इस पे हल्का हल्का जो है थोड़ा कॉटन से भी कर लेना। Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer.
ठीक है, इस तरीके से अपनी सेकेंड लेयर थर्ड लेयर हो जाती है, लेकिन अभी भी अपन को डार्क चाहिए, देख सकते हो और डार्क नहीं। और डार्क के लिए अपन क्या करेंगे, और डार्क के लिए अपन 6B पेंसिल का यूज करेंगे। 6B पेंसिल ले लो, डायरेक्ट 6B क्यों नहीं ली, क्योंकि अपन लेयर बाय लेयर देखते हैं, ठीक है। लेकिन 6B को भी ऐसा नहीं किसके एकदम 6B की तरह यूज कर रहे हो, लाइटली यूज करो, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसे रब करने की जरूरत नहीं है, स्मूथ शेडिंग करो बस। ठीक है, इसे भी सेम तरीके से अपन ब्लेंड करेंगे आराम आराम से ब्रश से। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा ऐसे कॉटन से कर लो, ताकि थोड़ी और स्मूथ आ जाए, चेहरे पे नहीं जाना, चेहरे वाले पार्ट से दूर रखना। तो ईयर बनाना है अब अपन को, तो अपन अब क्या करते हैं, हाथ के नीचे पहले एक पेपर रख लो, ठीक है, ताकि स्केच गंदा ना हो जाए। मैकेनिकल पेंसिल से ही बन जाएगा पूरा, देखो कैसे ईयर की जो आउटलाइन है वो दी, ये देख सकते हो हल्के हल्के बाल और ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं लाइट लाइट, तो ये बना लिए। अब देखो ये जो कर्व आ रहा है, जितने कर्व आ रहे हैं यहाँ से लेके, तो मेरे में तो ये गायब है, ये वाली लाइन मेरे में जो है, जैसे मैंने बॉर्डर लगा रखा है, तो मेरा जो आएगा वो इसके राइट में साइड जितना है इतना ही आएगा, तो मैं इतनी बनाऊंगा। आपने भी बॉर्डर लगा रखी है तो तुम्हारा भी इतना ही आएगा। आराम आराम से पहले तो ये जो दिख रहा है कर्व आया, ये हल्का हल्का नीचे, ये जो जितना शेडेड पार्ट दिख रहा है ना, ऐसे ये वाला पार्ट, ये वाला अपन ऐसे आराम से ड्रॉ करो। ओके, आराम से ड्रॉ किया और इसको पेंसिल से ही भर दिया, अपनी मैकेनिकल पेंसिल से ही, ठीक है। जहां थोड़ा डार्क डार्क है वहां थोड़ा प्रेशर के साथ, और जहां लाइट है वहां नॉर्मली, जहां हल्का हल्का शेड है वहां पे हल्के हल्के प्रेशर के साथ। जो हाई लाइन्स है वो अभी अपन बनाएंगे, लेकिन पहले ये हुआ। फिर एक देख सकते हो नीचे भी एक लेयर आ रही है, तो ऐसे वर्टिकली शेडिंग करते करते ये नीचे की एक लेयर बना लो। फिर ये ऊपर वाले पोर्शन में है, तो यहाँ हल्की हल्की शेडिंग है, जो डार्क शेडिंग थी वो दिखा चुका हूँ, अब हल्की हल्की जो शेडिंग है वो चल रही है। थोड़ी जो कर्व बनाया था इसके अंदर भी हल्की हल्की है, आराम आराम से कर लो इसे, ठीक है। ये करने के बाद अब जाइए अपन को ब्लेंडिंग स्टम्प, तो जो डार्क पार्ट है पहले तो उसे आराम आराम से कर लो। जो ऊपर लाइट पार्ट है और जो नीचे लाइट पार्ट है, इसके लिए अपन को ब्रश की जरूरत है, ठीक है, तो आराम आराम से ब्रश कर लो इतना। नीचे वाला पोर्शन जो है, नीचे वाला पोर्शन कॉटन से कर लो, ठीक है। कॉटन का जो छोटा पीस करके जैसे नोज करके बताई थी ना मैंने, उस तरीके से इतनी कॉटन ली अपन ने, और नीचे वाला जो पार्ट अपन ने किया था शेड, उसे ऐसे सर्कुलर शेडिंग जैसे करते ना, तो वैसे ब्लेंड कर लो। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद बस अपनी नीड इरेजर लो और ये वाला जो पोर्शन है इसे हल्का हल्का इरेज करो, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करो इतना, और फिर यहाँ पे ये कर्व आ रहा ये इरेज करो। ये रेफरेंस में जो दिख रहा है ना उतना ही करना है, एक्स्ट्रा अपने मन से नहीं कर रहा। और फिर एक ईयर्स के नीचे देख सकते हो एक और लाइन सी बनी आ रही है, तो वो भी अपन बना लेंगे। उससे पहले जरा ईयर की जो आउटलाइन है
वो ड्रॉ करो, और उसके ऊपर जैसे अपन ने नोज के नीचे एक लेयर इरेज करी थी वैसे ही लिप्स वो ईयर्स के नीचे एक लेयर इरेज कर दो। ठीक है, तो ये अपना ईयर भी ड्रॉ हो जाता है। इतना कर लो, फिर अपन हेयर्स पे चलते हैं। तो अब हेयर स्टार्ट करते हैं। तो पहली तो जो चीज़ अपन करेंगे हेयर्स में भी करते हैं, मैकेनिकल पेंसिल से डायरेक्शन दे दो। अब डायरेक्शन की अपन को ज़रूरत बहुत कम ही है, ठीक है, लेकिन तब भी अपन ने ये तो पूरा भरा हुआ है। जो हल्के हल्के दिख रहे हैं ना, वो बाद में मोनो जीरो इरेजर से इरेज कर सकते हैं। इसमें जो दिख रहे हैं वो भी, यहाँ पे अपन को हाईलाइट छोड़ने की ज़रूरत है, और यहाँ पे दिख रहे हैं हल्के हल्के, ठीक है, जो बीच में हल्के हल्के दिख रहे हैं वो मोनो जीरो इरेजर से आराम से बन जाएंगे। मेन है यहाँ वाले जो अपन ने हल्के हल्के ड्रॉ करे थे ना, तो वो हल्के हल्के अभी भी हैं अपने पास यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है। जो नहीं है अगर, तो मैकेनिकल पेंसिल से ऐसे दोबारा ड्रॉ कर लो हल्के हल्के, क्योंकि बाद में काम आएंगे, होगा तो दोबारा बना लेंगे, लेकिन अब कर्व में करना है ऐसे धीरे धीरे साथ साथ करते जाओ। डायरेक्शन देख लो पहले, डायरेक्शन ये है, ये दिख रही लाइंस अपनी, डायरेक्शन ये है। तो इसके लिए एक काम करो, अपन सब राइट हैंडी हैं, लेफ्ट वाले उनको तो आराम से प्रॉब्लम कोई नहीं होती, तो राइट हैंडी जैसे तुम्हें हो रही है तो इस तरीके से कर लो, उल्टा घुमाओ, ओके, उल्टा घुमा लो इसे, और इस तरीके से कर्व करना स्टार्ट कर दो, पास पास करो, बहुत बढ़िया। क्योंकि तो अभी इसमें अपन को 2 से 3 लेयर देनी है, इसके बाद 6B की लेयर देंगे, उसके बाद और डार्क करने के लिए 10B की लेयर, ठीक है। चारकोल में नहीं होता, चारकोल में 2 ही लेयर रहती हैं। चारकोल में करना हो तो पहले न्यूट्रल चारकोल करो और फिर सॉफ्ट चारकोल कर दो, ठीक है। चारकोल ब्लेंड करने में भी आसान रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है चारकोल के साथ, चारकोल फैलता बहुत जल्दी है। तो इसमें अपन फैलना जो है, क्योंकि अपने पास ये छोटे छोटे जो हाइलाइट्स हैं चेहरे के चारों तरफ बाल हैं, 1 2 3 4 इधर नीचे नीचे नहीं, तीनों तरफ बाल हैं इधर इधर, तो इस तरीके से ज़रा कर्व कर लो। अगर यही इसके बाल ब्लॉन्ड होते हैं, मतलब जैसे वो स्ट्रॉबेरी वाइट या फिर गोल्डन बाल रहते ना, वो होते तो इतने में ही छोड़ देते अपन, ये लो बाल बन गए इसके। राइट साइड आ जाओ, तो राइट साइड देखो, पहली चीज़ जो अपन को करनी होगी वो होगी फेस की आउटलाइन। फेस के बाहर अच्छे से करना, फेस के अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए, बहुत आराम आराम से करो। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, डायरेक्शन इनकी क्या है, वर्टिकल, ठीक है, कर्व भी नहीं है, स्ट्रेट ही आ रहे हैं फ्री हैंड से, जो स्ट्रेट बनाते हैं ना लाइन, क्योंकि तुम देख सकते हो रेफरेंस में पूरे भरे हुए हैं, जैसे अभी एक्सप्लेन किया था ना मैंने, तो अब स्ट्रेट लाइन बनाना स्टार्ट कर दो। बस एक चीज़ है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए कुछ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा एक पेपर टाइप रख लो, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आती रहेंगी उससे, ठीक है। तो जो चेहरे से पहले जो चेहरे से निकलती हुई हैं वो ड्रॉ कर लो, देख सकते हो कर्व है, तो यहां चेहरे से जो निकलती हुई हैं उन्हें ड्रॉ कर लो आराम से, करना है पेपर के अंदर ना चली जाए, पता चला तुमने चेहरे पे लाइंस बना दी, तो वो नहीं चाहिए अपन को। ठीक है, तो इस तरीके से करा, बाकी की तो लाइंस ऐसे वर्टिकल हैं। ठीक है, तो इतना हो गया अपना, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ऊपर की तरफ आते हैं। तो ऊपर की तरफ यहां देखना, यहां पे हाइलाइट्स हैं, ठीक है, तो उस जगह का ध्यान रखना ऊपर वाले पोर्शन में। यहाँ से तो जो नॉर्मली बाल आ रहे हैं, ठीक है, ये बाल कनेक्ट होते हुए यहाँ पे वो ड्रॉ कर लो।
अपन डायरेक्ट 10B से इसलिए नहीं करते, मैकेनिकल पेंसिल से पहले अपन इसलिए करते ताकि अपन को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाए कि कहाँ क्या करना है। क्योंकि सर एक बार में पूरा कर्व लाओ ताकि पेंसिल थोड़ी पीछे पकड़ो। अपन को एक ध्यान रखना, ये वाला जो रीजन है इसे जरा इधर के ग्राफ एरेज कर लूं, वरना बाद में देखेंगे। ठीक है, इस वाले रीजन में है ये, एक समझो इस तरीके से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है इसमें बनाना है अपन को। तो इस पीछे पकड़ो और इधर से स्ट्रोक्स लाना स्टार्ट करो पेंसिल के, और इसके पास लाते लाते ख़त्म कर दो। ठीक है, एक आध दो आगे निकल जाए ऐसे। ठीक है, ये आया, एक आध आगे निकल गया। इसे लिप्स में करते ना या आयरिस में करते, एक आध आगे निकल गया। डायरेक्शन का ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी कर्व सी है। ठीक है, कुछ नीचे भी है कुछ ऊपर भी है, तो रेफरेंस को जरा ध्यान से देखो उसमें कौन सा ऊपर स्ट्रोक है कौन सा नीचे है, कहाँ पे नीचे की तरफ ज्यादा है कहाँ पे ऊपर की तरफ ज्यादा है। ठीक है, यूजुअली एक कर्व है ये। ठीक है, यहां से ऐसे कर्व होता हुआ, यहां से ऐसे कर्व होता हुआ। यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ होगा। अब जरा ध्यान दो, ये वाला जो कर्व है यहाँ पे भी है हल्के हल्के, तो यहाँ पे पहले थोड़े बाहर की तरफ बना लो, ऐसे थोड़े से कर्व थोड़े बाहर की तरफ बना लो, ताकि जो मांग वाला एरिया रहता है यहाँ पे हल्के हल्के बाल दिख जाए तुमको। क्योंकि अपनी जो डार्क पेंसिल्स हैं वो इतने आगे तक नहीं आएंगी, क्योंकि रेफरेंस में इतने आगे तक नहीं है। अब देखो ये अपन ने कर लिया है, तो हल्के हल्के जो कर्व देने ना अपन को बीच में, पीछे पकड़ो पेंसिल और बहुत लाइटली शार्प रखना है, कि कैसे बीच में थोड़ा गैप देते हुए ऐसे कर्व स्ट्रोक्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी अपन को बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन जब अपन पूरा पोर्शन इनके अलावा डार्क कर देंगे ना 10B से, तो फिर वो अच्छा खासा दिखेगा। अब सेम चीज अपन को यहाँ करनी है राइट साइड वाले पोर्शन में, तो आगे की तरफ स्ट्रोक्स ले आओ पहले। ठीक है, ये थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स आगे की तरफ आ रहे हैं, वो हल्के हल्के स्ट्रोक्स थोड़े आगे की तरफ ले आओ। ऐसे वर्टिकल, मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मत लाना, थोड़ी नीचे की तरफ कर्व करते हुए लेके आना इस तरीके से, जैसे बालों की जो डायरेक्शन हो। ठीक है, अब नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा एक काम करो, इसे स्लांट में रख लो और ऐसे कर्व करना स्टार्ट कर दो। ऊपर से पूरा नीचे ले जा सकते हो आराम से कर्व। ठीक है, क्योंकि बीच में जो हाइलाइट्स हैं वो अपन मैकेनिकल इरेजर या मोनोजीरो इरेजर से दे देंगे। ठीक है, तो ये अपना
हो गया है, तो ये शेड तो हो गए अपने बाल, ठीक है। अब बस अपन को क्या करना है, ब्लेंड कर लेते हैं अपन। ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज करो, ठीक है, बहुत ज्यादा घिसना नहीं है, हल्का हल्का चला लो आराम से, इतना मत घिस देना कि बाद में डायरेक्शन का अंदाजा नहीं रहे। ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ जो अपन ने हाइलाइट्स छोड़े हैं ये वाले, उन पे नहीं करना, यहाँ बाहर बाहर तक कर लो ऐसे। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे कर लो, ये बीच वाला छोड़ देना, और फिर ये जो यहां से लेके पूरा नीचे तक, आराम आराम से पूरा ब्लेंड कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसे ब्रश घिसने की जरूरत नहीं है, आराम से ही कर लो, और ये अपना हेयर्स की बेसिक लेयर हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, हेयर्स की आखिरी लेयर्स देनी है अपन को। तो जैसे अपन ने फर्स्ट और सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर दी थी ना जैसे, वैसी देनी है, ठीक है। तो अपन ने डायरेक्शन लगा लिए थे, अब अपन वही करते हैं सेम। सिक्स बी से अपन करते हैं, जैसे फर्स्ट लेयर करी थी ना, पहले एक आउटलाइन बना लेना और हाथ के नीचे एक पेपर रख लेना। ये वाला सेक्शन हुआ अपना, अब ये वाले सेक्शन के लिए पेंसिल शार्प रखना, देखो जरा 6B शार्प करना। यहाँ पे HP में अपन आगे आगे तक ले गए थे, 6B में रेफरेंस में देखो उतना आगे नहीं है, ठीक है। डार्क दिख रहे हैं अपन को, 6B वाले हैं, आराम आराम से करेंगे, इसलिए देख लो। HP वाले ये दिख रहे हैं, ये हैं, इससे थोड़े पीछे रहेंगे, एकदम डायरेक्ट उतने ज्यादा चेहरे पे नहीं आएंगे, उससे पीछे ही रहेंगे, एकाध एकाध दो जरूर आगे आ जाएंगे। इसमें यहां देख सकते हो बाल यहां तक है, मैं उससे थोड़ा पीछे ही रखा हूं, एकाध दो जैसे आगे चले जा रहे हैं उसका कोई परेशानी नहीं है, रेफरेंस में भी है, पीछे ही रखना बहुत, एकदम नहीं कि चेहरे पे 6B से ले जाओ, चेहरे पे जो HP वाले हैं उन्हें ही जाने दो, इस तरीके से धीरे धीरे करो, और फ्लो का ध्यान रखना, इस हिसाब से अपन ने HP पेंसिल से बनाए थे ना अपनी मैकेनिकल पेंसिल से, उसी फ्लो में रखना, आराम आराम से ड्रॉ हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से करना है, बहुत ध्यान से, ये याद रखना 10B वाली लेयर में भी खूब काम आएंगे। अब जरा ये ऊपर वाले देखो, ऊपर वाले अपन जैसे HP से बनाए थे, HP वाले तो एक आध दो इधर एक आध दो ऊपर निकल गए थे, इसमें भी एक आध दो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कर देना कि बहुत ज्यादा जो है पूरा हिस्सा भर दिया अपन। पेंसिल शार्प रखो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रोक्स आ रहे हैं, पेंसिल पीछे ही पकड़ो ताकि रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए अपने हाथ का, ठीक है। ये नॉर्मली आ रहे हैं, फिर ये एकाध एकाध डार्क ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर वाले हो गए, अब ऊपर से नीचे वालों को भी ऐसे ही करना है, आगे की तरफ जो HP वाले हैं पे नहीं करना, थोड़े उनके पीछे से लेके आओ स्ट्रोक्स, आराम आराम से, मोटे मोटे स्ट्रोक्स नहीं आने चाहिए, ध्यान रखना एकदम, थोड़े पतले पतले ही लाना, यहाँ पे आराम आराम से पेंसिल शार्प कर लो पहले, ठीक है। इसलिए आराम आराम से जरा देखो पहले, इस वाले पोर्शन को धीरे धीरे कर रहे हैं अपन, इसमें भी एकाध एकाध ऐसे नीचे चले गए, बाद में इसमें जो और शार्प से दिख रहे हैं ना वो अपन मैकेनिकल की मदद से बना लेंगे, लेकिन पहले अभी थोड़ा पीछे रखना है इसे।
इस तरीके से अपन ने कर लिया, ये बीच का हिस्सा छोड़ के बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब आता है ये वाला कर्व, यहाँ वाले इसे अपन को अच्छे से करना है। अब अपन नीचे वाले बाल हैं, तो नीचे वाले बालों के लिए अपन ने जैसे फर्स्ट लेयर में करा था ना, ऐसे पेपर रख के, एक स्ट्रेट आने हैं वैसे भी ये, तो एक पेपर रख के कर लो। तो वही चीज़ अपन करेंगे दोबारा, इस तरीके से एक पेपर रख के। चेहरे पे एक भी स्ट्रोक नहीं जाना चाहिए, आराम से बना लो। इस पार्ट में जल्दबाजी नहीं करना, ये बहुत पेशेंस का काम है, आराम से करना है इसे। ये हो गया, अब बाकी के बाल ऐसे स्ट्रेट ले आओ। ठीक है, तो ये अपनी सेकेंड लेयर भी हो गई। अब सेकेंड लेयर के साथ भी अपन वही करेंगे जो फर्स्ट लेयर के साथ किया था, ब्लेंड। ध्यान रखना अब ये 6B है, ये थोड़ी ज्यादा फैलेगी, तो चेहरे से ब्रश को जो है दूर रखना, चेहरे पे नहीं आना चाहिए ब्रश। आराम से कर्व चलाओ, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे धीरे धीरे ब्रश चलेगा, आगे की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ब्रश। इस तरीके से अंदर ही अंदर रखो, ये जो स्ट्रोक्स एक्स्ट्रा निकल रहे ना बाहर की तरफ दिख रहे हैं अपन को अच्छे खासे, उन पे नहीं जाना, उन्हें ब्लेंड मत कर देना वरना गंदे लगेंगे। फिर इस वाले पोर्शन को करते हैं, ऊपर से नीचे से कर्व करते हुए ले आओ। सेकेंड लेयर भी ब्लेंड हो जाती है। ठीक है, तो अपनी दो लेयर्स हो गई हैं, अभी अपन को और डेप्थ की ज़रूरत है, तो अपन थर्ड लेयर 10B से देंगे, तो पहले इतना कर लो। चलो तो आओ थर्ड लेयर स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेयर सेम तरीके से करनी है, बस 10B पेंसिल ले लो, ओके, और हाथ के नीचे एक पेपर रख लेना, ये वाला पार्ट करते हुए कर दो, स्टार्ट कर दो, साथ साथ ही कर लो। पेंसिल शार्प रखना, अच्छे तरीके से स्ट्रोक्स आने चाहिए, भले ये पूरा पार्ट ब्लेंड हो रहा है लेकिन तब भी दिखने चाहिए अच्छे तरीके से कि पूरी मेहनत लगाई है। ठीक है, ये हो जाता है। अब अपन ऊपर की तरफ आते हैं, तो ऊपर जरा ध्यान दो, धीरे धीरे करना है अपन को। यहाँ पे 6B था तो इधर से स्टार्ट नहीं कर देंगे अपन, थोड़ा ऊपर से करेंगे। ठीक है, अब रुकना, यहाँ देखो मैकेनिकल पेंसिल लो, ये जो बीच वाले पार्ट अजीब सा छूटा है ना, अपन को क्या चाहिए इसमें, स्ट्रोक्स चाहिए। अब अपन आराम से मैकेनिकल पेंसिल की मदद से इसमें ऐसे कर्व स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, तो जो अपन को शार्प कर्व स्ट्रोक्स चाहिए हैं अब लगा लो अच्छे तरीके से, पूरा भरना नहीं है, बीच में से हाईलाइट्स छोड़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर अब धीरे धीरे थोड़े प्रेशर के साथ कि वो थोड़ी डार्क दिखे, आराम आराम से स्ट्रोक्स लगा लो ये
तो जो हल्के हल्के बाल दिख रहे हैं ना अपन को बीच में मांग की तरफ आते हुए, वैसा दिखे। हल्का हल्का टेंडी का भी यूज करो यहाँ पे। चलो तो अब अपना शेड पूरा हो जाता है, देख सकते हो पूरा अपना शेड हो गया है। ठीक है, ब्लेंड की बारी है तो ब्रश उठाओ, ब्लेंड करना स्टार्ट करो, उसके बाद हाइलाइट्स देते हैं। ठीक है, बस अब स्केच अपना ख़त्म ही होने वाला है। तो जब हाइलाइट्स दूँ तब ध्यान देना। जो एक ग्रेफाइट एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकल रहा है ना, उसे इरेजर से तुरंत के तुरंत इरेज कर लेना। ठीक है, और इसे ऐसे हल्के तरीके से किसी कॉटन पीस या क्लोथ से निकालना, हाथ से या ब्रश से नहीं। नीचे वाला पार्ट ब्लेंड कर लो, चेहरे पे नहीं जाना चाहिए। इसमें भी जो बाहर निकल रहा है वो इरेज करो। ओके, अब देखना है यहाँ पे, देखो अपना ब्लेंड ब्लेंड सब हो गया है। अब अपन को हाईलाइट जो देने हैं, बीच का पोर्शन देखो, ये वाला, ये जो है ये तो पूरा इरेज कर लो ऐसे। ठीक है, पूरा इरेज कर लिया, हल्का हल्का यहाँ ब्रश चला लो इस तरीके से बस। अब मैकेनिकल पेंसिल लो, मैकेनिकल पेंसिल की मदद से जो हल्के हल्के एक दो बाल आगे की तरफ निकल रहे हैं ना चेहरे पे, ये देखो, यहाँ ध्यान से देखोगे वो ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ से ऐसे एक यहाँ गया, एक इधर गया, गिनती के लेफ्ट साइड के चार पांच बाल हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड की तरफ भी निकल रहे हैं। ठीक है, थोड़े यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहां से ऐसे कर्व होते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हल्के हल्के से बनाना, आराम आराम से, बहुत एकदम डार्क नहीं, बहुत ज्यादा भी मत बना देना कि एकदम भरा हुआ लगे। अब अपनी मोनो जीरो इरेजर लो, और ये अपन ने ईयर पे हाईलाइट करा था वो दोबारा बना लो। इसके बाद बस एक हाईलाइट और बचता है और वो है ये चेहरे वाला। रेफरेंस में अगर देखोगे तो चिन से लेके चिन पे पतले से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जाके यहाँ चीक बोन नोज के लेवल पे से पहले खत्म हो रहा है। तो अपन चिन से स्टार्ट करते हैं। मोनो जीरो इरेजर लेना, बहुत
ध्यान से आराम से, बाल वाला कोई पोर्शन इरेज मत करना, चेहरे पे उल्टा सीधा भी कोई इरेज नहीं करना, देख लो जरा ध्यान से। यहाँ पे ये जो हाइलाइट्स हैं बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छा लुक आता है इससे, तो इसे अच्छे से देना है, गड़बड़ नहीं हो जाने चाहिए। और ऐसा नहीं कि एकदम से बंद कर दो, एकदम से छोड़ दिया, नहीं, कैसे छोड़ेंगे, एकदम से नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे एकदम पतला करके छोड़ेंगे, यहाँ पे तो थोड़ा मोटा मोटा जा रहा है, यहाँ पे एकदम धीरे से छोड़ देंगे। ओके, ये अपन ने जो इरेज करा उसे बहुत आराम से ऐसे कॉटन से ऊपर से नीचे, और ये अपना स्केच जो है तैयार हो जाता है। बस एक ही चीज बचती है, यहाँ पे अपना साइन कर लो और अब टेप हटा लेना। तो इस तरीके से अपना स्केच तैयार हो जाता है।